तो रह ही गई। अब लगूंगी ना मैं नजमा दुबई वाली। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, कितनी बार का है मम्मी बोला कर छोड़ ना अम्मा। क्यों छोड़ू, अरे हम कोई मामूली लोग थोड़ी हैं, पैसे वाले बड़े लोग हैं, मॉडर्न हैं। इस पूरे मोहल्ले में तेरे बाप के सिवा कौन है जो दुबई में नौकरी करता है? यहाँ तो सारे भिखारी रहते हैं, भिखारी। हम दुबई वाले इसलिए दूसरों के सामने मम्मी बोला कर मम्मी। अम्मा, बाकी सब तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये मम्मी मम्मी मुझसे नहीं बोला जाता, तो मेरी अम्मा ही हो। अच्छा वो अम्मा, 1000 रुपए का नोट तो देना। आशी, अभी कल तो दिया तुझे पूरा 500 रुपया। अम्मा वो तुम्हें पता तो है कितनी महंगाई हो गई है, कोचिंग सेंटर जाते जाते ही 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। और तुम्हारी बेटी की ना कोई इज्जत है अपनी क्लास में, अपनी सहेलियों में, नजमा दुबई वाली की बेटी हूँ मैं, कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना हूँ। अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्का मत मार, देती हूँ। और सुन, क्लास की लड़कियों से भी कभी कुछ खा लिया कर। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि पैसा वहां खर्च किया जाता है जहां से कोई फायदा हो। ये तूने जरूर उस मिस्कीन फरा पर लगाना होगा, है ना? अम्मा, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। अच्छा ठीक है ना, अब 3-4 दिन तक नहीं मांगूंगी सच्ची। अच्छा ठीक है, मैं तारिक रोड जा रही हूँ, नई वैरायटी आई है देखने के लिए है। अच्छा, मेरे लिए भी देखना है? अच्छा अच्छा, देख लूंगी, तेरे अब्बा का ड्राफ्ट आया ना आज। अम्मा वैन आ गई, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जा। अम्मा सुनो, मेरे लिए सारे शोक रंग लेना, कोई हल्का रंग ना लेना। अच्छा दरवाजा बंद कर लो, खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम अरशद भाई। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। चले चले भाई, चल चलो भाई। बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, लड़के के पास कार होनी चाहिए और बैंक में अच्छी खासी रकम भी। अमीर हो भाई हमारी तरह के। अच्छा ठीक है, अगर तू नहीं रिश्ता लेकर आएगी ना, तो मेरे पास मिसेस खान और मिसेस कुरैशी के भी बड़े रिश्ते हैं, उन्हें देख लूंगी मैं। एड्रेस? मेरा एड्रेस तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यहाँ पहुंचकर किसी से भी पूछ लेना कि नजमा दुबई वाली का घर कौन सा है, उंगली पकड़ के तुम्हें यहाँ छोड़ कर जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, चल ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। खुदा हाफिज़। बाजी वो क्या है खालदा? बाजी वो अम्मा कह रही थी ना बाजी से 500 रुपये लेती भी आना। कौन से 500 रुपये हैं? अभी तो तेरा महीना भी खत्म नहीं हुआ, चल जा जाकर बाथरूम धो, फिर मुझे जाना भी है। काम ना काज की और मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांगती। चल अब जा भी, शकल देख रही मेरी। सलाम अलैकुम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? आंटी नहीं कह सकता तू मुझे? बोल सकता हूँ, बोल के दिखाऊं आंटी। पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया, थोड़ी तुझ पर मेहनत कर लेती ना तो आज को काम आती। तो खाला वो मेरी अम्मा तुम्हारी बहन भी तो है, तुमने समझाया नहीं उन्हें? मैं तेरी माँ के मुंह नहीं लगती, वो ठहरी बदतमीज औरत, और मेरी मेरी तो मोहल्ले में बड़ी इज्जत है भाई। मैं तो अच्छा लगता हूँ ना तुम्हें?
तू? हाँ हाँ तू तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो आज ही चली गई क्या? हाँ कब की? हाला आशी को बोलना वो बात ही नहीं करती मुझसे। अब आशी बात नहीं करती? मैं कहूंगी क्यों नहीं करेगी तुझसे बात। अच्छा सुन, ये मेरा बिल जमा करवा दे, आज आखिरी तारीख है, ठीक है? ठीक है। अच्छा अच्छा मेरी बात सुन, वो ऊपर पानी वाली टैंकी है ना, उसमें बड़ा कूड़ा जमा हो गया, वो भी जरा साफ करवा देना है। हो जाएगी। अरे हाँ वो मुझे याद आया, वो नुक्कर वाला दर्जी है ना, उसके पास मेरे कपड़े हैं, उससे जाते हुए कह देना कि नजमा दुबई वाली के कपड़े दे दे याद से। साला सारे काम हो जाएंगे, मैं अभी जाके करा देता हूँ। अरे वो आशी को बोलना वो मुझे पढ़ाए। तुझे पढ़ाए? अरे तुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है बेटा, तू तो पहले ही पढ़ा पढ़ाया है ना। चल शाबाश, जल्दी से बिल जमा करवा कर और मेरे सारे काम करके आना, ठीक है? हाँ, हाँ। अबे सुन, पैसे तो लेता जा। हाँ, पैसे। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला बिल जमा कराने। जमील मजा नहीं, छोड़ छोड़ के अपने। अरे बेटा तूने कहीं जमील को देखा है? अरे खाला किसी का बिल जमा करा रहा होगा। अरे तो हंस काहे के लिए रहा है, मैंने लतीफा सुना है। लतीफा तो आपका बेटा है खाला। लतीफा नहीं, टोकन। जमील, जमील, अरे बहरा हो गया है क्या? जमील, जमील, अरे बहरा हो गया है क्या? सुनता क्यों नहीं है? अरे जमील रुक जा, रुक जा जमील, सुनता क्यों नहीं है? बहरा हो गया है क्या? बेटा बेटा तुम्हारी माँ बुला रही है पीछे। अम्मा नहीं, वो मुझे आवाज नहीं आई ना तो पता नहीं चला। हाँ हाँ तुझे तो पता नहीं चला, पता नहीं चला तुझे। दुकान पर नहीं गया? नहीं, देखो मुझे क्या बोल रहे हैं ये लोग। अरे दुकान पर नहीं गया, नजमा के घर गया था क्या? हाँ मैं दुकान गया था, दुकान बंद थी। दुकान बंद थी फिर तू नजमा के घर चला गया होगा। नहीं नहीं नहीं, देख कितनी मुश्किलों से तुझे दुकान पर रखवाया था, और ये जो तू सारे जमाने का दर्द अपने दिल में लिए फिरता है ना, ये कोई काम नहीं आएंगे तेरे जिनके तू काम करता फिरता है। इसका कोई कसूर नहीं है, इसका तो दिमाग ही खाली है माजदा। इसको जिहाद पे भेज दो, जिहाद पे। हाँ दोनों मिलके ना मुझे दहशतगर्द बना दें आप लोग। चुप कर, सही कह रहे हैं वो, अगर तूने काम ना किया तो तुझे या तो मैं जिहाद पे भेज दूंगी या मदरसे में बिठा दूंगी। चल दुकान पे चल, मैं कह रही हूँ, चल चल। तुम जा रहा हो ना अम्मा? चल सजाऊं तेरे सर पे तेरा है? मैं सजाऊं निकम्मे? तूने उसको पैटर्न लगाया, अस्तर लगाया और खड़ा यहाँ शादियां कर रहा है? नहीं नहीं शादी थोड़ी कर रहे थे वो, फिर गंदे फैला शादी के फैला जहन में आ जाते तो वो आ गए थे, वो सोच रहा था। अरे तेरी माँ मिन्नत समाजत करके तुझे छोड़ के गई थी यहाँ पर के काम सीखे, एक तो तू फारिग बैठा है, देर से आया। अबे तू उसको कब तैयार करेगा? बस अभी थोड़ी देर के अंदर तैयार करके बिल्कुल स्पीड के साथ। अबे दांत निकाल रहा है तू, वो खोटा सिक्का जो कभी नहीं चल सकता। अबे तेरी माँ की ये ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे का अपना जाती वर्कशॉप हो, मगर मुझे लगता उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। नहीं उस्ताद, अब देख तू मेरी स्पीड क्या करना है बता। अबे कंप्रेसर को फा लगा लो, क्या करना है कल सब बता रहा हूँ तुझे मैं। हाय हाय, हाथ कंगन को आरसी क्या? तुम्हारा बेटा तो पैदाइशी खराब है। अगर मेरा बेटा खराब है तो उसे घर में क्यों घुसने देती है तू?
क्यों ना घुसने दूं? 100 दफा आए, जब दिल चाहे आए, जब दिल चाहे जाए। देखो आपा, तुम मुझे अपनी सगी बहन समझो ना समझो, लेकिन उसे मैं अपना सगा भांजा समझती हूँ। हाँ, भांजा समझती है ना, तो ब्यादे आशी को जमील से। अरे मैं 100 दफा लानत ना भेजूं उस पर, अरे तुम्हारा वो निकम्मा और मनहूस बेटा, उससे अपनी आशी को ब्याने से तो बेहतर है मैं उसे गोली मार दूं। पहली फुर्सत में गोली मार दे उसे, इससे पहले कि वो कोई गुल खिलाए और तेरा ये गुरूर हाथ में मिल जाए। मेरे चेहरे पे भी 4 आंखें, रोजाना उसे उठते बैठते आते जाते देखती हूँ, उसके रंग ढंग। आपा, वैसे तुम अगर मेरी सगी बहन ना होती ना, तो इस वक्त मैं तुम्हें गोली मार देती। इंसान को सामने वाले को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाजन हूँ और अनकरीब हज करने जा रही हूँ। अरे तेरी तरह सड़कों पे मारी मारी नहीं फिरती सारा दिन। देखो मुश्ताक है बेचारा, दुबई में कमा कमा के उसकी हड्डियां गल गई, और इन माँ बेटी के फैशन ही पूरे नहीं होते। आपा, अब हद से बढ़ रही हो तुम। अरे हद से ना बढ़ू तो और क्या करूँ। साबरा बता रही थी कल तेरी छत पर पानी की टंकी साफ कर रहा था जमील, बिल वो भरवाता है, सौदा वो ला कर देता है, राशन वो डलवाता है, तूने क्या उसे नौकर बना के रखा है? अरे तो मना कर दो ना उसे कि यहाँ ना आया करे, मैं बुलाने जाती हूँ उसे। और वैसे वो तुम्हारा निकम्मा और बावला बेटा पूरे मोहल्ले के 100-100 काम करता है, अगर मैंने 4 काम उसे कह दिए तो कौन सी कयामत आ गई। उसे चले आ रहे हो? कितनी दफा कहा है नॉक करके घर के अंदर आया करो। वो अम्मा मेरे पीछे लगी तो मैं छुपकर यहाँ पर आ गया। आशी मुझे ना तुमसे बात करनी है। क्या बात है, फूटो। आशी मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बेटा ये प्यार व्यार ना तुम्हारे बस का रोग नहीं है, एक काम करोगे मेरा? हाँ हाँ करूंगा काम। फारिग हो ना? बिल्कुल फारिग हूँ मैं तो। वो तारिक रोड से जाकर मेरे टेलर से कपड़े ही ला दो, मेरा कोचिंग सेंटर का टाइम हो रहा है ना। हाँ हाँ मैं जाके अभी ले आता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ भाई। है रुको, रसीद लेकर आती हूँ। अरे मुश्ताक, तुम तो वहां दुबई में बैठे हो, तुम्हें क्या अंदाजा कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो गई है? मुझे पता है नजमान, लेकिन फिर भी आशी की शादी करनी है, उसके लिए पैसे जमा करने हैं। अच्छा सुनो, तुम आशी की शादी की तो बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने ऐसी जगह उसके रिश्ते की बात चलाई है कि सुनोगे ना तो फूल कर तुम्हारा सीना ये चौड़ा हो जाएगा। बड़ी अमीर फैमिली है, गुलशन इकबाल में अपना जाती बंगला है उनका। अच्छा नजमा, मेरा बहुत दिल चाहता है पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही। कहते हैं अगर एक बार चले गए तो दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। अरे मुश्ताक सठे आ गए हो क्या? अरे कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान आने की, बल्कि मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि तुम डबल ट्रिपल शिफ्ट करो, यही उम्र है पैसा कमाने की। डबल शिफ्ट तो मैं पहले ही कर रहा हूँ नजमा, अब तो तबीयत भी खराब रहने लगी है। अरे वहीं रहकर तुम दवा दारू करो, यहाँ आ गए ना तो फकीरों की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तुम्हें भी और हमें भी। हाँ बहुत मुश्किल काम है नजमा, हड्डियाँ दुखती हैं सारी रात। सुनो मुश्ताक, एक पाव दूध पी लिया करो सोने से पहले, अरे तुम खाते पीते रहोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा आशी के इम्तिहान कब हैं? अभी चंद महीने हैं। देखो मुश्ताक, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है, फाके मरेंगे हम सब। नहीं आता नजमा, बस तुम पैसे जमा करती चली जाओ। मुश्ताक उसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत कंजूसी से खर्चा करती हूँ मैं, एक एक रुपया सोच सोच कर खर्च कर रही हूँ। हाँ कुछ भी फालतू खर्चा नहीं करती। अच्छा सुनो, बाहर कोई आया है, हम फिर कल बात करेंगे, ठीक है?
ठीक है, मेरी तरफ से मेरी बिटिया को आशी को बहुत प्यार देना। हाँ हाँ मैं कह दूंगी। अच्छा खुदा हाफिज। हाँ। पाकिस्तान आने का सोच रहा है, फाके मरेगा खुद भी और हमें भी मारेगा साथ हमें। मैडम गाड़ी ले आया हूँ आपके लिए मैं। अच्छा तो ये गाड़ी है, क्या कीमत है इसकी? मैडम ये 88 का मॉडल है और आपके लिए सिर्फ 1,60,000 में। 1,00,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी, ये तो चलते चलते खुल जाएगी। ऐसा ना करें मैडम, आपने कहा था गाड़ी घर ले आओ, मैं सोल्जर बाजार से सीधा आ रहा हूँ यहाँ पर, और 1,50,000 रुपये तो मेरी खरीद है, मुझे सिर्फ 5 से 10,000 रुपये इसमें बच रहे हैं। और मैडम आप तो बड़े लोग हैं, आपके लिए 1,00,000-2,00,000 रुपये क्या हैसियत रखते हैं? अच्छा अच्छा पहले मैं ज़रा चलाकर देखूंगी, पहले चलाकर देखूंगी फिर भावताव करूंगी मैं। चलती है। पेट्रोल या सीएनजी डलता भी है या नहीं? मैं कब से कमबख्त ब्रोकर ने धोखा किया, पुरानी गाड़ी मत्थे मार दी है मुझे। चल हिम्मत कर जरा, अब पेट्रोल पंप तक तो लेकर चल। चल शाबाश। क्या ये पेट्रोल पंप इतना दूर है खाला? मैं कैसे? जल्दी कर जमील, जल्दी कर, जल्दी जल्दी। आशी ठीक है? ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुमने उर्दू बाजार से किताबें मंगाई थी ना, तो किताबें लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तो कदे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? घर पर देकर नहीं जा सकते थे? नहीं मुझे लगा तुम्हें जरूरत होगी तो मैं यही ले आया है ना। ये कौन है? मैं आशी का कजन हूँ और आशी का होने वाला मंगेतर भी। मंगेतर? ये तुम्हारा मंगेतर? तुमने हमें कभी बताया भी नहीं। ये शर्माती बहुत है ना। बकवास कर रहा है, खाला साहब कजन है मेरा, दिमागी तवाज़ुन खराब है इसका। चलो भागो यहाँ से। आप लोग देखिएगा जब कुछ अरसे बाद हम दोनों की शादी होगी ना, शादी में जरूर आइएगा ठीक है? क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ पर? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? क्या बोले चले जा रहे हो? फरा गार्ड को बुलाओ, लड़कियों को छेड़ने आया है यहाँ पर, धक्के देकर बाहर निकलवाओ इसे। छोड़ ना आशी, छोड़, दफा कर, पागल है ये तो। चल। और दोबारा ऐसी कोई बात की तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। चलना आशी छोड़, दफा कर इसे, हटो। चल आशी, जान से मार देना था आज मैंने इसको, जमीनी के बच्चे को। बस कर दे, अम्मा ने सर पे चढ़ाया इसे।
अबे तो है कौन ये? अर्शद भाई आशी का कजन है, बाहुल्ला साहब बेचारा। इसको ठीक करूंगा भी क्या जाके? इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। चल बैठ जल के गाड़ी में। तूने मुझे रोका है फरा, अब चुप कर जा। पहले इतनी बेइज्जती हो चुकी है ना सबके सामने, मजीद बेइज्जत ना करा। चल बैठ गाड़ी में। कौन हो तुम और अंदर कैसे आया? गार्ड निकाल इसको। नजर आ रहा है? जी सर जी। ओ हाँ, खुदकुशी तो नहीं कर रहा है? देखो ट्रेन सफर कर रहा है, ट्रेन भी आ रही है। चले वो पकड़ो, ये खुदकुशी तो नहीं कर रहा है? ओए पकड़ इसको, पकड़ पकड़ पकड़। ओए क्या खुदकुशी कर रहा है? उठे और डाल इसको मोबाइल में। यहाँ खुदकुशी का हमारा काम मुश्किल करेगा तू? खुदकुशी करके चले आगे, चल 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 लेके चल इसको। आशी ने पता नहीं क्या कुछ कह दिया उसे और वो जाके पटरी पे लेट गया। आपा मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसे समझा दो, आइंदा अगर इसने ये हरकत की ना तो आशी इसके साथ इससे भी बुरी करेगी। अच्छा अच्छा चल, तो गुस्सा मत कर, तेरा बेटा है और आज तो खैर से मैं आशी का हाथ मांगने आई हूँ। आपा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कह रही हो तुम? देख नजमा, ये खुदकुशी भी आशी की वजह से करने लगा था। अगर इसे आशी मिल गई ना तो ये एक जिम्मेदार इंसान बन जाएगा। तो बस आशी को मेरी झोली में डाल दे। आपा उठ उठ। आपा मेरी आशी कोई अंगूर का गुच्छा है जिसे मैं तुम्हारी झोली में डाल दूं? हाँ औकात देखी है तुमने अपनी? आपा देखी औकात? और तुमने सोच कैसे लिया, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी आशी का हाथ तुम्हारे इस लंगूर बेटे के हाथ में दे दूंगी? कभी इसे देखा है तुमने? अरे जाओ आपा जाओ जाओ, इसे किसी पागल खाने में दाखिल करवाओ या फिर चिड़ियाघर में कोई अगर खाली पिंजरा है ना तो वहां कैद करवा दो इसे। रिश्ता मांगती हो आपा मुझसे? मेरी बेटी का? अरे मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आपा कि अपने इस कुएं के मेंढक के साथ मेरी बेटी को मिलाओ? हाँ देख नजमा, ये इतना बुरा लड़का नहीं है जितना तू समझती है इसे। इसकी एक दफा शादी हो जाने दे, फिर ये जिम्मेदार इंसान बन जाएगा। खाला सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ यहाँ से वरना धक्के देने भी आते हैं हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तरबियत की है बेटी की। तो खाला तुमने कौन सी बहुत अच्छी तरबियत की है इसकी? लड़कियों में खड़ा होकर बच्चे पैदा करने की बातें करते हैं। पूछो इससे, पूछो क्या कर रहा था कोचिंग सेंटर में। बस आपा सुन लिया ना, बहुत हो गया, चलती बनो चलो। अरे इस जैसी बदतमीज लड़की को तो मैं अपनी बहू बनाना पसंद भी नहीं करती। हाँ तो किसी ने दावत भी नहीं दी, मुझे भी कोई शौक नहीं है। इंशाल्लाह सारी उम्र धक्के खाती फिरेगी, अरे तेरे जैसी लड़कियों को तो घर बसते ही नहीं है। अम्मा अरे इस बुढ़िया को ले जा वरना मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगी ये। अरे कत्ल तो होगी तुम दोनों, मुझे पता है मोहल्ले में किन किन मर्दों से तुम लोगों के चक्कर चल रहे हैं और वही मर्द तुम लोगों को कत्ल करेंगे। लिख लो मेरी ये बात। अच्छा लिख लेंगे, चल निकल आप। खबरदार जो तूने मुझे नापाक हाथ लगाए अपने। अम्मा चल रहने दे बस, चल बस कर तो खाला बहुत हो गया, चल निकल आपा। देख लिया तूने? अरे इस चलते पुर्जे से तू शादी करना चाहता था? इसकी शक्ल ही अच्छी है, दिल इसका देख कितना मैला है। अरे बेड़ा गरक हो इन लोगों का, देखती हूँ दुबई का पैसा कब तक चलेगा। अरे दोनों ही पागल हो, निकलो यहाँ से, एक सेकंड नहीं खड़े होने दूंगी दोनों को यहाँ। निकलो यहाँ से, दबा हो जाओ यहाँ से। देख लेना नजमा, एक दिन यही तेरी बेटी तेरा सारा गुरूर खाक में मिला देगी। अरे तुझ पे वो दाग लगेगा कि तू सारी उम्र धोती फिरेगी लेकिन कभी नहीं धुलेगा, देख लेना तू। लगेगा दाग खुद ही धो लूंगी, तुम जाओ, तुमसे कोई शिकायत करने नहीं आएगा, दाग लगेगा। परेशान ना हो, इनसे बर्दाश्त नहीं होती हमारी रोटियां, हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही ये। अम्मा तुमने ही सर पे चढ़ाया इस जमील को। चलो भाई आ गया घर। अर्शद भाई पहले मुझे छोड़ना था ना। अरे यार इन लड़कियों को मिलाद में जाना है ना, मैंने सोचा पहले इनको छोड़ दूं, तुम्हें 10 मिनट में छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं है। आराम से भाई, क्या हो गया? आराम से
भेड़ के जाना दरवाजा। चलो ओके ओके। क्या कह रहा था तैमूर फोन पे? कुछ नहीं, क्यों? बात ये है कि तुम ना भाई कहते हो ना मुझे, तो ख्याल रखना पड़ता है तुम लोग की वालदेन की इज्जत का, समझी ना? अब ये जो आजकल के लड़के हैं ठीक नहीं होते, इनका काम पूरा हुआ या मुंह फेर के निकल लेते हैं, इनका क्या है? और मैं बहन बनाता हूँ ना, तो फिर मैं बहन समझता भी हूँ ना, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अर्शद भाई आपकी कितनी बहन है? मेरी दो बहने, एक इंटर में एक मैट्रिक में, मिलवाऊंगा किसी दिन। है जरूर। अब क्या हुआ? एक मिनट आ रहा हूं। है हाँ बोलो। नहीं अभी नहीं घर पहुंची, गाड़ी खराब हो गई है शायद। हाँ हाँ ठीक है, बताती हूँ घर पहुंच के। ये लो भाई। ये क्या अर्शद भाई? अरे जूस है, यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, मैंने सोचा यहाँ से गुजर रहे थे तो मैं पिला दूँ। पियो पियो। नहीं नहीं अर्शद भाई ये मैं नहीं ले सकती, इसकी क्या जरूरत थी? अब यार ये नहीं 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 क्या करो हर बात पे, तुम हर बात पे इनकार करना शुरू कर देती हो। पियो तो सही, मजे का है, पियो। थैंक यू। हाँ वेलकम। थोड़ा जल्दी पी लो, घर भी जाना है। आ गया चीता, क्या ले गया आज? तो बेहोशी उठा ले। जमील, अरे कब से तेरा फोन बज रहा है? हेलो आशी, अभी तक घर नहीं आई। क्या तू तो कहाँ गई? वो कहाँ है? पता नहीं। जमील बेटा तू मेरे साथ चल उसे ढूंढने। हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है तू आजा, मैं गाड़ी में बैठी इंतजार कर रही हूँ तेरा। ठीक है ठीक है। सुन कहाँ जा रहा है, किसका फोन था? मैं वहाँ हूँ। वो मंसूर भाई जो है उन्होंने नौकरी ढूंढ ली है मेरे लिए, तो वो मिलने के लिए बुला रहे हैं अभी, तो बस वहां से जाता हूँ और फौरन आता हूँ। ठीक है Thank you.
आशी ये तुझे क्या हुआ? आशी तेरी ये हालत, आशी आशी तू बोलती क्यों? आजी, आजी क्या हुआ तुझे? बेटा तेरी ये हालत किसने कर दी? हाँ, बैठ। हाँ, इधर, इधर बैठ बेटा। कुछ तो बोल, क्या हुआ तुझे? हाँ, कुछ तो बोल, क्या हुआ तुझे? आज, आज, हाँ, पानी, हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये ले पानी बच्चे, पी ले। क्या मसाला? वो आशी की कोई खबर मिली? हाँ आ गई है वो, पर राहत फतेह अली खां का शो देखने चली गई थी सहेलियों के साथ, वहाँ उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। पता है सोच सोच के मेरा दिमाग ही फट जाता। कमबख्त को माँ का मोबाइल नंबर भी नहीं याद था, वरना किसी के मोबाइल से मुझे फोन ही करके बता देती, मैं खामखा परेशान हो रही थी। ठीक है तू भी जा, जा सो जा बेटा, और सुन किसी को कुछ बताइयो मत, देखना लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं ना। फंक्शन में गई थी तो देर सवेर हो जाती है, मैं थोड़ी बताऊंगा किसी को। जा आशी, मुंह मत खोलियो, किसी को बताइयो मत कि तू दागदार हो गई है, वरना ये दुनिया ना हमें जीने देगी और ना ही मरने। था फूल मेरे वजूद का, यही मामता का था मोल क्या, के जिगर का टुकड़ा गवा दिया, दिया ताहिरा ने मुझे, पहले मेरे पीछे पड़ी रहती थी तुझे बहु बनाने के लिए, और अब इनकार कर दिया उसने। मां मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? इससे पहले के लोगों को शक हो ये बात खुले, तेरी शादी हो जानी चाहिए, बल्कि तुझे तो रुखसत हो जाना चाहिए यहां से। मैं वैसे इस घर से चली जाती हूँ। बकवास मत कर, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, और जो तूफान आने वाला है ना उसका तुझे अंदाजा नहीं। आशी तूफान तो आकर जा चुका, हम अब क्या?
क्या तूफान आएगा। किससे करूं तेरी शादी, कोई अच्छा लड़का भी तो मेरी नजर में नहीं है। आशी, अगर तूने भी कोई लड़का पीछे लगाया होता ना, तो आज हमें इतनी मुश्किल ना हो रही होती। तूने भी कोचिंग सेंटर जाकर घास ही खोदी है। देख, अब भी अगर तेरी नजर में कोई अच्छे घराने का अच्छा लड़का है ना, तो मुझे बता दे बेटा। मैंने कहा ना अम्मा, इस दाग के बाद मुझे शादी नहीं करनी, मत तंग कर मुझे बार बार। बस तो फिर इस बात का एक ही हल है मेरे पास, मैं खुद को भी मार लूं और तुझे भी कत्ल कर दूं, बस किस्सा ही खत्म हो जाए। इस बात का एक ही हल है मेरे पास। देख चंदा, तू समझ क्यों नहीं रही, जो तूफान आने वाला, तुझे उसका अंदाजा नहीं है, तू नहीं कर सकती उस बात का अंदाजा। तेरी शादी तो मैं करके ही रहूंगी, और अब तेरी एक नहीं सुनूंगी मैं, सुना तूने? खुदा का वास्ता मुझे जाने दो। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई। अस्सलाम अस्सलाम। चलो भाई चले। ओह, आज गर्मी को ज्यादा नहीं हो गई? आपको भी गर्मी लगती है क्या? मैं भी इंसान ही हूँ। लगता तो नहीं है।
सही है, बताओ कोचिंग सेंटर कौन सा लगाया? अभी तो यही गुलशन में कोई देख रही हूँ। आप बताएं आपकी क्या टाइमिंग है यहाँ की? मैं सुबह उठाता हूँ कॉलेज की लड़कियों को और 2-2.5 बजे तक मैं उठाता हूँ कोचिंग सेंटर की। मैं आपको बाकी लड़कियों से वैन के पैसे कम दूंगी भाई, ये सुन ले आप। मत देना तुम। नहीं नहीं ऐसा नहीं, दूंगी लेकिन थोड़े कम दूंगी। ठीक है जो तुम्हारी मर्जी। अरशद भाई का तो काम ही दूसरों की खिदमत करना है। अच्छा चल आइए और हवा के गाने लगाइए कोई। अच्छा गाने सुनने हैं और क्या आइए। अच्छा सुनो सुनाए कोई आइसक्रीम शाइसक्रीम चलेगी? नहीं नहीं आज नहीं, आज मूड नहीं और गला भी खराब है आज। कुछ पी लो। नहीं नहीं आज नहीं, ना छोड़े बाद में। हाँ बाद पक्का पक्का। चले आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अम्मा खाला आई। अब क्या लेने आई है तू? आपा मैं आशी और जमील की शादी के लिए राजी हूं। क्या? लेकिन मैं अब राजी नहीं हूं, मेरी तरफ से इनकार है। जब मैंने जमील के लिए आशी का हाथ मांगा था तो तूने साफ मना कर दिया था, अब क्या मुंह लेकर इस चौखट पर आई है तू? अम्मा चुप करके खड़ा रहे, तू मुझे बात करने दे। अम्मा आपा तू चुप कर। आपा आपा देखो मैं छोटी बहन हूं ना तुम्हारी, गलती हो गई ना माफ कर दो आपा। चलो हम दोनों मिलकर आशी और जमील की शादी कर देते हैं। हाँ अब आशी भी माफी मांगेगी तुमसे। हाँ हाँ मैं उस बदज़बान आशी को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। निकल जा इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर निकालूं, जैसे तूने और तेरी बेटी ने मुझे धक्के दिए थे। अम्मा मान जा। चुप करके खड़ा रहे, मुझे बात करने दे। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इन माँ बेटियों। अरे तू इनके नाज नखरे नहीं उठा सकता, इनके फैशन पूरे करते करते मर्द खबरों में चले जाते। जा बीबी जा, किसी और दरवाजे पे दस्तक दे। मैं तुझे बचपन से बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाली, पल में तोला पल में माशा। अरे तू मान कैसे गई? आशी का हाथ जमील के हाथ में देने के लिए तू तो किसी के आगे नहीं झुकती, आखिर चक्कर क्या है? आपा मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ऐसी कौन सी मुश्किल आ पड़ी है तुझ पर जिसने तुझे नाक से लकीरें निकालने पर मजबूर कर दिया है? मैं बताती हूँ पापा, वो दुबई में आशी के अब्बा, मेरा मतलब है मुश्ताक की एक मुंह बोली बहन है, उसका जवान बेटा है और मुश्ताक चाहता है कि आशी की शादी उससे कर दी जाए। उस लड़के को यमन में नौकरी मिली है, 20 दिन बाद वो यमन चला जाएगा, तो मुश्ताक कहने लगा कि मैं आशी को लेकर दुबई आ जाऊं, उस लड़के से आशी की शादी कर दी जाए और फिर आशी उसके साथ यमन चली जाए और मैं पाकिस्तान आ जाऊं। आप खुद ही बताओ आपा, मेरी एक ही एक बेटी है, उसे भला मैं अपने आप से दूर कैसे कर दूं आपा? तो मुझे तो तूने मुंह फाड़ के इनकार कर दिया था, उसे नहीं इनकार कर सकती? आपा वो मुश्ताक ने धमकी दी है कि अगर आशी ने इनकार कर दिया तो वो हमारा खर्चा बंद कर देगा, फिर तुम ही बताओ ना क्या करेंगे हम, हमारा तो और कोई रोजगार भी नहीं है। मुश्ताक इतना जालिम कब से हो गया? पापा जब से उसे वो मुंह बोली बहन मिली है उसकी, वो कहता है कि आशी की जिंदगी बड़े आराम से गुजरेगी। मैं तो कहती हूँ लानत भेजती हूँ मैं ऐसे पैसे पर जो औलाद को अपने माँ बाप से दूर कर दे। अब
तुम ही बताओ आपा, मेरी एक ही एक बेटी है, मैं उसे भला अपने से दूर कैसे कर दूं? तू अगर आशी को नहीं भेजेगी तो वो तुझे खर्चा नहीं भेजेगा, फिर क्या करेगी तू? आपा मैं चाहती हूँ कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर आशी की शादी जमील से कर दूं और फिर उसे बताऊं, मेरा मतलब है मुश्ताक को बाद में बताऊं, फिर क्या कर लेगा वो? और इस तरह उस यमन वाले लड़के से तो जान छुटेगी ना, और उसकी वो मुंह बोली बहन से भी, बाद में सारा मामला ठीक हो जाएगा और मेरी बच्ची मेरी नजरों के सामने रहेगी। अभी अभी मुश्ताक ने मुझे फोन पर धमकी दी थी और मैं भागी भागी अपा आपके पास आ गई। आखिर आप मेरी बहन हो ना, मेरी मदद तो करोगी ना? मैं तुम्हारी अपनी सगी बहन हूँ अपा, मेरी मदद करो खुदा के वास्ते अपा। देख रजा, मैंने तुझे कहा था ना, चाहे बहनें सारी उम्र लड़ती रहे लेकिन कभी एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। जा जा के शादी की तैयारी कर, 10 दिन के अंदर अंदर हम जमील और आशी की शादी कर देते, और उस कमबख्त मुश्ताक को भी बुला लेना ताकि उसकी भी आंखें खुले। हाँ बहुत ही नेक औरत, तो देख लेना सीधी जन्नत में जाओगे। अच्छा मैं चलती हूँ। दरवाजा बंद कर लो। खुदा हाफिज़। अल्लाह तुझे खुश रखे। अम्मा मैं जमील से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। मुझे जमील के अलावा कोई दूसरा लड़का नजर नहीं आता आशी। मैं दुनिया वालों को तेरी शादी दिखाना चाहती हूँ, मोहल्ले वालों को तेरी शादी दिखाना चाहती हूँ, ताकि सबको पता चले कि तेरी बारात आई और तू रुखसत होकर चली गई। देख अगर मैं चाहती ना तो तैमूर के घर वाले नहीं भी थे ना राजी, तो मैं तेरा निकाह उससे पढ़वा देती। लेकिन बेटा मैं छुपाना नहीं, सबको बताना चाहती हूँ, ऐलान करना चाहती हूँ। देख आशी, हम पर जो दाग लगा है उसे छुपाने के लिए एक बड़ी चादर की जरूरत है, और वो उसी सूरत मुमकिन है कि दुनिया वालों के सामने मोहल्ले वालों के सामने तेरी बारात आए और तेरा ताख शादी के फूलों में छूट जाए। अम्मा मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मुझे उसकी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं है। मैं तुझे जमील से शादी करने को कह रही हूँ, उसे निभाने को नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तू जमील से शादी कर ले, मैं 6 महीने के अंदर अंदर तुझे तलाक दिलवाऊंगी। इस तरह से तेरा दाग भी धुल जाएगा और तू आजाद भी हो जाएगी। बेटा मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जमील की जगह तेरे दिल में नहीं, तेरे जूतों में है, लेकिन इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए हमें जमील जैसे लड़के की जरूरत है, जो बाद में तुझे आसानी से तलाक दे दे और मैं तेरी शादी कहीं और करवा दूंगी। हाँ बस बेटा तू 5-6 महीने गुजार ले बस। अगर उसने तलाक ना दी तो? क्यों नहीं देगा, तेरी माँ है ना। हाँ मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगी कि वो खुद तुझे तलाक देगा। और सुन, शादी के बाद तूने उसके साथ क्या सलूक करना है ये तो तुझे बेटा मैं बाद में बताऊंगी। हाँ तो इस वक्त मेरी ये बात मान। ठीक है। शाबाश शाबाश। आशी देख बेटा बारात आने वाली है, जैसा मैंने तुझसे कहा था ना वैसे ही बात करनी है सबसे। माँ। हाँ क्या बात है? माँ मैं ही शादी नहीं कर सकती। अरे क्या बकवास कर रही है तू? तुम जमील से कह दो कि बारात वापस ले जाए, मुझसे नहीं हो गई। तुम मार डालो मुझे, जहर दे दो, गला घोट दो।
मार डालो। आशी ये क्या कर रही है तू? हाँ ये नहीं कर सकती, मुझे घिना रही है। अरे इतने दिनों सबर किया है तो ऐन वक्त पर पागल क्यों बन रही है? कितना समझाया था तुझे, अभी मुसीबत का एक दर बंद किया है तो दूसरा खोलने पर क्यों तुली है तू? हाँ मुझे बार बार बदनाम मत कर, कितना समझाया था तुझे। मेरे दिल में हौल उठ रही है माँ, ये धोखा है। हकदार हूँ मैं। इस दागदार की बच्ची, तू कौन सा दिल से जमील को अपना शौहर मान रही है जो तेरा दाग आड़े आ रहा है? मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मा, मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है, यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मुझे नहीं करनी है शादी अम्मा, मैं नहीं करनी मुझे ये शादी। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा, शादी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? 15 दिन तो गुजर चुके हैं, अब खतरे की घंटी बजने ही वाली है, मुझे और परेशान मत कर खुदा के वास्ते आशी। अरे कुछ अकल से काम ले और जलील मत कर मुझे, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। देख आशी, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, तू समझ के बस तू एक रबड़ की गुड़िया है और कुछ महीनों के लिए तू जमील के घर जा रही है, फिर तू वापस मेरे घर आ जाएगी, अपने घर वापस आ जाएगी। दिल छोटा मत कर, अरे पगली तेरी माँ तेरे साथ है। बस आशी मुझे तुझ पर शादीशुदा का ठप्पा लगवाना है बस। बस बस अपना दिल और दिमाग ठंडा रख, सारा मेकअप गारत कर दिया, पूरे 15,000 लगाए थे तेरे मेकअप पर, सारे बर्बाद कर दिए तूने। मैं भेजती हूँ अभी फरा को, वो आकर तेरा मेकअप ठीक कर देती है। और याद रख आशी, तेरी माँ कभी तुझे गर्म हवा नहीं लगने देगी, ऐसे ही नहीं लोग मुझे नजमा दुबई वाली कहते। खालों को बोलो कि निकाह पहले करा दे। अबे चुप, इतना बेसब्रा क्यों हो रहा है? छुरी के नीचे दम ले, बात करता हूं मैं। आबा वैसे निकाह पहले करवा देते हैं, खाना बाद में खोलेंगे। ये शिकरे हैं शिकरे, खाना खोल दिया तो ये लोग सारे भाग जाएंगे और रह जाएंगे हम दोनों, बल्कि हम तीनों यहाँ पे। सलामियां भी कोई नहीं देगा, समझी? नजमा भी तो यही बता रही थी। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें, निकाह पढ़वाएंगे। अबे तू तो बैठ यार, बैठ, आइए आइए आइए। कबूल है, कबूल है। हाँ बोल ना, कबूल है बोल। कबूल है। मुबारक हो आपा, आपको भी मुबारक। पता है आशी, बचपन से ना मैं एक ख्वाब देखा करता था कि मैं और तुम किसी झील के किनारे हाथों में हाथ डाले चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं।
आज मुझे यकीन आया वो ख्वाब दरअसल ना हमारी जिंदगी का सफर था। अब देखो हम सफर बन गए ना। बहुत मोहब्बत करता हूँ। पता है मेरे दोस्त कहते थे कि तुम्हारी शादी आशी से हो ही नहीं सकती। मैं कहता था नहीं, एक दिन आएगा तुम लोग देखना मेरी शादी आशी से जरूर होगी। और देखो आज शादी हो गई ना हमारी, लेकिन इतनी जल्दी हो गई उसका यकीन नहीं आ रहा मुझे। आशी मैं इस घर में तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, तुम देखना। वो घूंघट तुमने पहले उठा लिया तो मैं ये लाया हूं तुम्हारे लिए, ये पहन लो तुम। करीब मत आना मेरे। आशी क्या हुआ? मैं हूँ जमील। तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। क्या बात? क्या आशी? जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा आशी? मैं अब तुम्हारा शौहर हूँ। तुम शौहर हो चाहे जो मर्जी हो। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, उठो यहाँ से। मैं वजह पूछ सकता हूँ? तुम्हें वजह बतानी जरूरी नहीं। आशी तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमसे मेरी शादी हो गई, तुम दुल्हन बन के इस घर में आ गई हो। तुम भले आज बात ना करो मुझसे, एक दिन आएगा जब तुम खुद बात करोगे मुझसे। ठीक है मैं नीचे फर्श पे सो जाता हूँ। नहीं, तुम इस कमरे में नहीं सोगे। आशी क्या बात कर रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानती। कहीं भी जाओ लेकिन तुम यहाँ नहीं सोगे। ठीक है मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। आशी ये अपनी मेहनत की कमाई से लेकर आया हूँ, बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खरीदी है। जमील, 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 क्या हुआ अम्मा? अरे तू यहाँ क्यों सो रहा है? यहाँ ठंडी हवा चलती है ना इसलिए। अरे तू कमरे में क्यों नहीं सोया? आशी कहाँ है? आशी कमरे में अंदर। मैं अंदर ही तो सो रहा था, मैं तो थोड़ी देर पहले आके यहाँ लेटा हूँ। वो सोच रहा था मैं कुछ काम धंधे के बारे में। अच्छा चलो जाके आशी को भी जगा दे। कहते हैं नई नवेली दुल्हन का सुबह का उठना अच्छा शगुन होता है। अल्लाह बख्शे, मेरी माँ कहा करती थी कि दुल्हन की आँख सूरज की आँख से पहले खुलनी चाहिए। नहीं 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 अम्मा, आशी को ना अपने हिसाब से उठने दे, तो वो सो रही होगी बेचारी, सोने दे, खुद उठ जाएगी वो। अच्छा जाए तो बुला दे मुझे चाय। बेड पे क्या कर रहे हो? उतरो यहां से, दूर हटो फौरन। क्या हुआ आशी? कल रात तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर ये अचानक। रात की बात है, अब बेड पे से हटो इसी वक्त। आशी ये कैसे चलेगा इस तरह? तुम कभी खफा हो जाती हो,
अभी बिल्कुल ठीक हो जाती हो फिर तुम उतर रहे हो या शोर मचाकर खाला को भी बताओ? नहीं नहीं मैं उतर जाता हूँ, तुम बस परेशान नहीं हुआ करो ठीक है। खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं हो? जाओ यहां से। अब्बा कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? बस तबीयत ठीक ही है बेटा, 3 साल हो गए तुझे देखे हुए, बहुत दिल चाहता है पाकिस्तान आने का लेकिन क्या करूँ, तेरी माँ आने ही नहीं देती। अच्छा अब ये बता जमील कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है। तुझे खुश तो रखता है ना बेटा? जी बहुत खुश रखता है। अल्लाह तुझे और खुशियां दे। मेरा नवासा होगा ना तो उसे देखने जरूर आऊंगा पाकिस्तान। हाँ नजमा जाए, तेरी माँ कितना ही रोके मुझे, मैं रुकने वाला नहीं, मैं अपने नवासे को देखने जरूर आऊंगा। हाँ बस अब आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। हाँ बेटा रखता हूँ बेटा, खुदा रहे। खुश खुश रहे मेरा बच्चा। मुबारक हो आजी, मुबारक हो, तो उम्मीद से है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अरे नजीरा जल्दी जा नजमा को बुला कर ला, जल्दी जा। शर्मा गई, या अल्लाह लड़का ही दियो मेरे पाक परवरदिगार, मुझे पोता चाहिए। अरे आशी ये क्या उलिया बना रखा है तूने? अरे लड़की ऐसे मौके पर तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं। तूने क्या रोनी शक्ल बनाई हुई है, तू खुश नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं आपा, खुश है, खुश क्यों नहीं होगी, बस जरा पहला पहला मौका है ना इसलिए परेशान है। चल जा आशी जा, मैं जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त कर, मैं तुझे क्लिनिक लेकर चलती हूँ। हाँ जा, जा ना। अरे आपा अभी देखना क्लिनिक से वापस आएगी ना तो कैसी हस्ती खेलती भी नजर आएगी। हाँ,
मैं तुझे बताई दे रही हूँ, मैं इसकी गोद भराई करूंगी। आपा जो तेरे दिल में आएगा ना तू कराती रही, जल्दी कर आशी। मैं बस ऐसे गई और ऐसे आई। ठीक है। मुबारक हो आपको, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अच्छा जी, ये मैं कुछ सप्लीमेंट्स लिखकर दे रही हूँ, इन्हें प्रॉपरली लेना है, और ये कुछ टैबलेट्स हैं, इन्हें भी रेगुलरली लेना है, ठीक है? और अपनी और बच्चे की बहुत केयर करनी है, राइट? अच्छा डॉक्टर साहब, शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। चलो ठीक जी। मैं ये बच्चा पैदा नहीं करूंगी। मुझे सोचने दे आशी। क्या सोचोगी अब तुम? तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, मैं जहर खा लूंगी लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। बस मत कर, मैं कह रही हूँ ना, सोचने दे मुझे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्या हल निकलेगा? बिना वजह तुमने मेरी शादी करा दी, क्या फायदा हुआ? इस जिल्लत से तो शादी बेहतर थी। चल कोई ना कोई हल निकालती। वो खाला कहाँ है? चली गई अपने घर। अच्छा, वो अम्मा कह रही कि मैं वो बनने वाला हूँ, वो बाप बनने वाला हूँ। तो क्या करूँ मैं? तुम कुछ ना करो, तुम ये मिठाई खाओ, मैं मुल्ला अहमद की मिठाई लेकर आया। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? नहीं। क्यों? ऐसी हालत में तो लड़कियां खुशी से बावली हो जाती हैं। चल क्या हुआ, मैं खुद ही मिठाई खा लेता हूँ। तुम्हें वो डॉक्टर वगैरह के पास जाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? अब अपनी बकवास बंद करो और निकलो इस कपड़े से। तुम आइंदा से यहाँ नहीं सोओगे। नहीं अच्छी, वो अम्मा क्या सोचेगी, वो गंदी बात कोई सोच लेगी अम्मा। कहाँ ना जाओ। अच्छा मैं चला जाता हूँ, तुम गुस्सा ना हो। वो अम्मा कहती है कि ऐसी हालत में गुस्सा करो तो बच्चा गुस्सीला पैदा हो जाता है। तुम जाते हो या? मैं जाके चला जाता हूँ। निकलो। रात में भूख या प्यास लगे या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। क्या है अम्मा? अरे मेरा 25 साल पुराना जेवर है, तेरे लिए संभाल कर रखा था। तो तू शादी के बाद जिम्मेदार हो जाएगा तो तुझे छोटा मोटा कारोबार करा दूंगी। आज ये निकाला ही था कि वो सूदखोर मंसूर आ गया। सबसे पहले इसे बेच के उसके 80,000 रुपए दे और जो बच जाए उससे कारोबार कर। अम्मा तूने ये जेवर पहले क्यों नहीं निकाला? इसलिए कि शादी से पहले तू नालायक और गैर जिम्मेदार था, और शादी के बाद देख रही हूँ तो जिम्मेदार हो गया। 6-7 लाख तक का तो बिक ही जाएगा, लेकिन मुझसे वादा कर कि इसे कारोबार पे लगाएगा, इधर उधर नहीं करेगा। पक्का वादा? मैं फ्रिजों की वर्कशॉप बनाऊंगा, पूरा शोरूम, मैं बाइक भी ले लूंगा अपनी इससे। अम्मा तू सब कुछ ले ले, लेकिन एक बात याद रख, किसी से कर्ज नहीं लेना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ और नहीं है। अम्मा ये जेवर इतने अरसे से तेरे पास था, तूने हज क्यों नहीं किया? तुझे इतना शौक था हज करने का, मुझसे कितनी बार बोल चुकी है। तू इससे कारोबार कर, कमाई कर। अरे तेरे पैसों से हज पर जाऊंगी, जेवर बेच कर नहीं। अम्मा तू बहुत अच्छी है।
अच्छा अच्छा चल बातें ना बना। सलाम अलैकुम उस्ताद। मैं बिल्कुल सेट। वर्कशॉप बना ली अपनी मैंने, आगे देखो तो एकदम हो गए टेके। हाँ हाँ अच्छा उस्ताद वो थोड़ा काम तो दिलवा दो, किसी को बताओ जरा इसके बारे में, नई वर्कशॉप है। ठीक है ठीक है। हाँ बुढ़ा लो खाला मिठाई खाओ, इतना सा और खाओ ना खाला। बस बस मैं डाइटिंग पर हूँ। अम्मा ये मिठाई। जीता रहे बेटा, अल्लाह तरक्की दे, एक नहीं 10 वर्कशॉप बनाए। आमीन आमीन। आशी अरे खा ले खुशी का मौका है, तेरे मियाँ ने नया नया कारोबार शुरू किया है। मैं जरा दोस्तों को खिला कर आता हूँ मिठाई। भाई नजमा आज मैं बहुत खुश हूँ, माशाल्लाह से जमील अपने पैरों पे खड़ा हो गया। वैसे आपा जमील ने अपने पैरों पे खड़े होने में देर बहुत कर दी। वैसे आपा ये तो बताओ कि इतना जेवर तुमने जमा कहाँ से किया है, कैसे किया? हाँ? अरे वो जवानी का जेवर था, जमील के बाप ने बनवा कर दिया था सारा। बड़ी गुन्नी हो बड़ी गुन्नी हो, मुझे खबर तक नहीं होने दी तुमने। तुझे क्या खबर होने देती, सब संभाल संभाल के जमील के लिए ही तो रखा था। सब कुछ जमील के लिए संभाल संभाल कर रखा था, लेकिन बहू को तो कुछ ना डाला है ना। सब कुछ आशी का ही तो है, उसे भी नगीनो जड़ा हार बनवा कर दे रही हूँ, तू फिकर ना कर। माशाल्लाह माशाल्लाह आशी देख तेरी खाला कितनी मेहरबान है, तेरे लिए भी जेवर बनवा रही है। आपा कितनी अच्छी हो, आपा बहुत अच्छी हो मेरी बहन। हेलो आप नजमा बात कर रही हैं? जी मैं नजमा बात कर रही हूँ। जी मैं दुबई से बोल रहा हूँ। जी मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपके शोहर मुश्ताक अहमद का इंतकाल हो गया। अब पता चलेगा नजमा को, दुबई वाला तो गुजर गया, अब देखूंगी टशन नजमा दुबई वाली के, जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा। आहिस्ता बोल कुछ सुन लेगा। नजमा तो बेवा हो गई है, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। सच कहा है किसी ने, गुरूर का सर नीचा, देखना एड़िया रगड़ेगी कमबख्त। अब हाँ
और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अब्बा इतने बीमार थे? क्या बताती तुझे? मुश्ताक ने मुझसे कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान आ गया तो वापस दुबई नहीं जा सकूंगा। क्या करेंगे? करना क्या है, मैं सोच रही हूं अपनी कार बेच दूं और कुछ पैसे जो मेरे पास जमा है उन्हें मिलाकर वो सड़क के किनारे दुकान बिक रही है वो खरीद लूं और फिर उसे किराए पर चढ़ा दूं। और तो कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, बचत करके ही अब सिलसिला चलाना पड़ेगा। तेरा बाप क्या गया, साथ ही हमारा सब कुछ भी ले गया, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूं। दुनिया से लड़ सकती हूं अब भी, रहूंगी तो मैं नजमा दुबई वाली ही। बस ये तेरी डिलीवरी वाला सिलसिला एक मरतबा खत्म हो जाए, फिर जमील से तेरी तलाक दिलवा कर किसी अमीर लड़के से तेरी शादी करूंगी, ताकि ताकि तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी भी बनी रहे। अब मुझे तलाक के लिए राह हमवार करनी है। मुश्ताक के मरने की सबसे ज्यादा खुशी मेरी आपा और तेरी सास को हुई होगी, वही मुझे मुश्ताक के ताने देती थी, कहती थी कि उसकी हड्डियां गल जाएंगी वहां काम करते करते। काली जुबान वाली खुद बेवा थी ना, इसलिए उससे मेरा सुहाग बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मनहूस मारी से उसी की आ लग गई मुझे। छोड़ो ना, बात तो चले गए ना, अब क्या फायदा? बड़ा फायदा आशी, जितनी नफरत मुझे जमील और आपा से है उतनी नफरत तो मैं दुनिया में किसी और से कर ही नहीं सकती। तो बस देखती जा मैं उन दोनों के साथ करती क्या हूं। तेरे बाप के कुल पर मोहल्ले की हर औरत के चेहरे पर दुख था, हर औरत ने आकर मुझसे अफसोस किया, लेकिन लेकिन आपा आपा के चेहरे पर दुख नजर नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर खुश हो रही होगी कि मैं भी बेवा हो गई, उसी की आ लगी है मुझे। वैसे तुम इतने पैसे मिलते कहां से? बस ये समझे कि मेरे पास एक तिजोरी की चाबी है। वो बात क्या है कि अब्बू जो खर्चे के पैसे देते हैं ना अम्मी को, उसमें से मैं अपना खर्चा भी निकाल लेती हूँ। तुम्हारी अम्मी को सब पता है? मेरी अम्मी को सब कुछ पता है। अच्छा एक काम करें, आज मुझे खास जगह लेके चले। आप बताओ सरकार कहाँ जाना है? कोई ऐसी जगह नहीं जाना, मेरी दोस्त है उसके अब्बू का इंतकाल हो गया तो अफसोस करने के लिए जाना है। वो कौन? आप शायद जानते हो, आशी नाम है उसका। हाँ हाँ मेरे बहन में आके बैठती थी। सही है, उसके अब्बा का इंतकाल हो गया, कैसे हो गया? पता नहीं, अब कुछ आखिर ही पता खत्म हो गया।
अल्लाह ताला तुम्हारे अब्बू जान की मगफरत करें। मैं चलती हूँ। शुक्रिया कमल। शुक्रिया किस बात का? पापा की डेथ पे सिर्फ तुम ही आई हो और कोई नहीं आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। हाँ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। मैं चल चल आशी, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। आशी, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो। पागल हो गई हो क्या? आशी क्या हुआ है? छोड़ दो। आशी छोड़ दो मुझे। आशी छोड़ दो। क्या हुआ है बताओ ना। चढ़ा रहा था ना गाड़ी पे तो वो टीन की चादर से कट गया था। मैं समझा कि वो खून रुक जाएगा, रुक नहीं रहा। बेटा कैसे काट लिया तूने अपना हाथ? आशी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा आशी। तुम भले मुझे सारी जिंदगी बात ना करो लेकिन रिश्ते की इस डोर को ऐसे ना तोड़ो। जिंदगी जैसे गुजर रही है उसे गुजर जाने दो। मैंने वाकई सच्चे दिल से सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मुझे इस यकीन के सहारे जीने दो कि तुम मेरी ना होते हो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। जाने दो मुझे।
जाने दो मुझे। पानी मिला तुझे? जी हाँ पानी मिल गया मुझे। रक्षंदा बता रही थी कि नजमा ने हमारे खिलाफ महाज खोल रखा है। सुबह से रात तक पार्लर में बैठ के हम दोनों की बुराइयां करती रहती है। अरे बेवा होके भी इस औरत ने गैरत हासिल नहीं की। कहती फिरती है कि हम दोनों आशी पर तशद्दुद करते रहते हैं। तू छोड़ ना, कोई कुछ भी कहता फिर हमें क्या फर्क पड़ता उससे? क्या मतलब हमें क्या? लोग क्या कहेंगे कि मैं नमाजन होके बहू पर तशद्दुद करती हूँ? अरे जैसे वो अपनी इज्जत बनाती फिरती है ना, मुझे भी लोग हज से पहले हाजन कहते हैं। देख लेना मैं इस नजमा की मिट्टी पलीत करके छोड़ूंगी। तो इस घर का एक गिलास पानी भी हराम है मुझ पर। अरे ये औरत मुझ पर तोहमतें लगाती फिर रही है। तूने अपनी कब्र खुद खोदी है नजमा, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे पार्लर चला रही है तो लोग बातें तो करेंगे, अल्लाह जाने पार्लर में क्या क्या काम करती है, और तू जो मेरे खिलाफ बातें करती फिर रही है। आपा बस, आज से तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। चला शी। ए, इसे कहां ले जा रही है? घर ले जा रही हूँ। जमील आए ना तो उससे कहना कि तलाक भेज दे। चल। अम्मा मुझे तलाक नहीं चाहिए। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं इसी घर में रहूंगी जमील के साथ। अब बस करो ये ड्रामा। सुन लिया ना, अब चलती बन। कहाँ चलती बन, मैं तो आशी को तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। हाँ चल आशी, छोड़ दे इसे, मैं कह रही हूँ। अम्मा छोड़ो। अम्मा मैंने बोला ना छोड़ो। क्यों छोड़ू? चल अम्मा छोड़ो। अम्मा मैं बोल रही हूँ ना छोड़ो मुझे। ये तू नहीं बोल रही, ये इसकी तवज्जो का असर बोल रहा है। चल छोड़ो इसे, मैं कह रही हूँ अम्मा छोड़। आशी आशी आशी, क्या हुआ आशी? आशी आशी अम्मा आशी आशी होश करो। आशी 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 होश में रहो अम्मा। जमील को बुलाओ। आशी होश करो। आशी 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 आशी
आशी कैसी है? जी पेशेंट तो ठीक है मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके। आप जल्दी से ब्लड का बंदोबस्त कर दीजिए। ब्लड क्यों सिस्टर, क्या हुआ मेरी आशी को? जी हम एहतियातन ब्लड मंगवा रहे हैं। हमारे तो सारे अरमान खाक में मिल गए। नन्ना फरिश्ता हमारे हाथों में आने से पहले अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। तूने बहुत जुल्म किया है नजमा। आपा मेरे ज्यादा कान मत खाओ, जाओ घर। जो नसीब में नहीं होता वो नहीं मिलता। अरे तूने हमसे हमारा नसीब छीना है। तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है, चल जा अपनी माँ को लेकर घर जा। मैं वो आशी के साथ यहाँ रुक। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद रुकूंगी आशी के पास अस्पताल में। मैं रुक जाऊं? लाख लाख शुक्र नहीं अदा करते कि मेरी बच्ची की जान बच गई, तुम लोगों के मातम ही शुरू कर दिया। अरे भाई जाओ 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 अपने अपने घरों को, रहने दो मुझे मेरी बच्ची के पास। जान का अजाब करके रख दिया। चलो यही मामता का था मोल क्या के जिगर का टुकड़ा गवा दिया। मिली जिंदगी तो बेसुकून, मिला माल जर तो लाज लगे से घाके पूछो ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आशी कि कोई नुकसान नहीं हुआ और तेरी जान बच गई, और इतना बड़ा मसला भी सर से खैर खैरियत से हल हो गया। आशी देख तू कितनी कमजोर पड़ गई है तू, हैं? और रंग रंग देख कैसे पीला हो गया तेरा। बस ये तेरी जिंदगी का आखिरी दुख और आखिरी मुश्किल है, इसके बाद तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मुझे तो लगता है कि तेरा गिरना भी अल्लाह की तरफ से था, वरना तू बच्चे को देखती ना तो नफरत और शर्म से जमीन में धस जाती। बस बेटा ये तो तेरी और मेरी दुआओं का नतीजा है कि तेरे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। अब तू ठीक हो जा, मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगी। जमील के साथ नहीं भेजूंगी तुझे, क्योंकि अब मुझे दुनिया वालों का कोई डर नहीं रहा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। ओके बोल। अच्छा खाने को क्या क्या मिलता है कैंटीन में? वो अभी कैंटीन वाला आएगा ना तो उसे पूछ लीजिएगा। अच्छा मैं एक घंटे बाद मेडिसिन देने आऊँगी। ठीक। आशी तू जल्दी से अब ठीक हो जा, फिर देख मैं कैसे तलाक दिलाती हूँ तुझे उस जमील से। अम्मा मैं तलाक नहीं लूंगी। क्या बात है आशी, रुक क्यों गई? चल अम्मा वो जमील आ जाए। आ जाएगा जमील अस्पताल का बिल देकर, तू चल मेरे साथ। उसे आ जाने दो, उसके साथ ही चलेंगे। तू बेवफा हो गई है तू। अरे मैं माँ हूँ तेरी, अब तू चल मेरे साथ, मैं तुझे जमील के साथ नहीं जाने दूंगी। अम्मा इस वक्त मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं इस मौजू पे बात करूँ, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। बेटा इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू चल मेरे साथ, मैं तुझे नौकरानी रख कर दूंगी, वो तेरी दिन रात खिदमत करेगी। तलाक की बात बाद में कर लेंगे, चल। अम्मा मैं जमील के साथ ही जाऊंगी। चलो जमील। हाँ चलो तुम भी चलो। अम्मा
नहीं, तू जा अब इसी के साथ। तो खाला तुम भी चलो। चलो जमील। तूने अच्छा नहीं किया आशी, अपनी माँ को धोखा दिया, चली गई उस मनहूस जमील के साथ माँ को छोड़कर। हो ना हो ये जंतर मंतर का असर लग रहा है मुझे, जरूर आपा और जमील ने जादू का सहारा लिया है ताकि आशी हर वक्त उन दोनों के गुण गाए। मुझे अपनी आशी पर यकीन है, वो कभी बदल नहीं सकती। कोई खबीस रूह उसे जमील की बीवी बनने पर मजबूर कर रही है, वरना वरना मुझसे ज्यादा नफरत तो आशी जमील से करती है। मेरा नाम भी नजमा दुबई वाली है, आसानी से तो छोड़ूंगी मैं भी नहीं, अपनी बच्ची को हर किस जमील के हवाले नहीं करूंगी। खींच लूंगी आशी को इस घर से, तलाक दिलवा कर ही दम लूंगी। मैंने आज तुम्हें से अपना शौहर कबूल कर लिया जमील, लोग मुझसे कहते रहे कि तुम कम अकल हो, गैर जिम्मेदार हो, छोटे इंसान हो, हर वक्त आवारा घूमते हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लोग कहते रहे और मैं मानती रही, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैंने जाना है कि सब बातें बिल्कुल गलत थी। ज्यादा सच्चा, जिम्मेदार, मुखलिस, हमदर्द और प्यार करने वाला कोई और नहीं। तुमने खुद को मेरे लिए बदल दिया। नहीं आशी, तुमने बदला है मुझे, मैं तो वही वो बाहर आवारा करने वाला लड़का, कोई काम काज भी नहीं आता था मुझे तो, लेकिन आज आज तुम आ गई मेरी जिंदगी में। अब तुम देखना, मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा। जो बच्चे का काम है ना, ये तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। पता है मैं चोरी चोरी पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ना सीख रहे हो?
मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तुम देखना मैं जेंटलमैन बन के दिखाऊंगा तुम्हें। तुम हो जेंटलमैन आशी, मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर हासिल कर लूंगा। और देखो मैंने हासिल कर लिया था। लेकिन जमील, मुझे इस मोहल्ले में नहीं रहना, मुझे यहाँ की गलियों से, यहाँ के लोगों से दहशत आती है। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। हाँ तो मैं ले जाऊंगा, मेरा कारोबार भी बहुत बढ़ गया है और अब तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें डॉक्टर ने खड़े रहने से मना किया है पागल, बैठ जाओ, एक महीना तुमने बहुत आराम करना है। मैं जरा अंदर से आता हूँ। आशी, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी आ गया? जी वो आशी को लेकर तारिक रोड जा रहा ऑफिस। अम्मा अम्मा, बहुत खुश हूं मैं जमील के साथ, और तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि मेरी शादी भी हो गई, वरना मैं अपना माजी भुला चुकी हूँ। तो माँ को भी भूल चुकी है। ऐसी बात नहीं है, हम जमील को ऐसे ही बुरा समझते थे, वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं जानती हूँ वो कितना अच्छा है। अरे वो अदाकारी कर रहे तेरे सामने, मैंने तो आरजी तौर पर तेरी शादी की थी ताकि तेरी बदनामी के दाग धुल जाएं। फिर सोचा था कि किसी ऊंचे खानदान में तेरी शादी कर दूंगी। देखा शी, तू छोड़ दे उसे, तू पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और शहजादियों की तरह पाला है मैंने तुझे, तू क्या उस दो टके के जमील की बीवी बनकर अच्छी लगेगी? मेरी बात सुन, तू उठा ला वहां से सारे कपड़े और आ जा इधर। मैं वैसे ये घर बेचकर फ्लैट में शिफ्ट हो रही हूँ, नया मोहल्ला, नए लोग, मैं चुपचाप तेरी शादी कर दूंगी। अम्मा तू समझ क्यों नहीं रही? तू नहीं समझ रही है? अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा नहीं सोच सकती। सारी जिंदगी तू रोती रहेगी उस जमील के साथ। तो रो लूंगी। मेरी बेटी होकर तू नहीं बदल सकती, तुझे सिर्फ काला जादू बदल सकता है। अरे सारी जिंदगी सर उठाकर जिया मैंने, मैं तुझे आपा के सामने झुकने नहीं दूंगी। तू कच्चे जहन की है ना, इसलिए तुझे तोड़ लिया आपा ने। अम्मा अम्मा देखो, अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है ना, तो छोड़ दो इस मौजू को, मुझे जीने दो मेरी मर्जी से। बहुत जी लिया तूने अपनी मर्जी से। अगर तू गटर में छलांग लगाना चाहती है तो क्या मैं लगाने दूं? अरे मैं तुझे महलों में ब्याहूंगी। अम्मा मैं बार बार किसी की सेज नहीं सजा सकती। तुम वो कच्चे दिमाग की जो ये नहीं समझ रही कि जब मेरी दूसरी शादी होगी तो क्या उनको कभी पता नहीं चलेगा कि मेरी एक शादी हो चुकी है?
सारी जिंदगी गालियां और ताने सुनकर गुजार दूंगी मैं, तब ठीक रहेगा? खाला, खाला, खाला उठिए, खाला, खाला। अरे बेटा, खाला क्या हो गया आपको? मैं तो इस टाइम मक्के और मदीने में थी, अल्लाह के घर की ज़ियारत कर रही थी, अपने नबी पाक के रोजे के पास थे। वो पहाड़, वो मदीने की गलियां। आशी बेटा, लगता है अल्लाह मुझे बुला रहा है। खाला आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जमील को फोन करती हूँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, असर असर सर में दर्द है, वो मेरे कमरे में गोलियां पड़ी हैं, मुझे ला दे। अभी लाई। परेशान ना हो। ये आपकी चाय। हुसन बानो, मनहूस मारी नाम का ही हुसन था, शक्ल से ऐसा लगता था जैसे कोयलों की दलाली करती हो, काली माता से ज्यादा काली। तावीज उल्टे पड़ जाएंगे। मुझसे कुछ कहा बाजी आपने? तुझसे क्यों कुछ कहूंगी, सीधा दे टैक्सी चला। अबे पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो, हटो। तावीज खोल कर पिलाऊंगी ना तीनों को, फिर पता चलेगा। देख आशी, जमील मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करता है। अरे कमबख्त तेरे लिए खुदकशी करने लगा था, कहता था आशी से ही शादी करूंगा, मजनू बना फिरता था। मैं जमील से और जमील तुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे मरने के बाद बेटा उसे अकेला मत छोड़ देना। कैसी बातें कर रही हो खाला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ऐसे बोलो भी मत। मैं जमील से कहूंगी तुम्हें अस्पताल लेके जाएगा। अभी नया नया कारोबार है उसका, मैं उसे परेशान करना नहीं चाहती। तुम मत बताना मेरी बीमारी का, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। पापा मम्मा प्लीज लड़ना मत। मैं लड़ने नहीं आई हूँ आशी, मैं तो सुलह करने आई हूँ, तू फिर आ गई। अरे पापा छोड़ भी दो, मैं लड़ने नहीं आई, सुलह करने आई हूँ। अगर मेरी आशी तुम्हारे इस घर में खुश है ना, तो बस मैं भी खुश। नहीं बाबा ने, मैंने सुलह नहीं करनी तेरे साथ, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अरे आपा, सगी बहनों में भी भला कोई दुश्मनी होती है, और वैसे भी तुम कौन सी नरम दिल की हो, तुम भी तो बहुत सख्त मिजाज औरत हो। थोड़ी तुमने कही, थोड़ी मैंने कही, हिसाब बराबर। अच्छा ये तो बताओ, ये सर बांधे क्यों बैठी हो? अम्मा वो खाला के सर में दर्द है। मैं जानती हूँ आपा, ये सब कुछ सिर्फ कमजोरी की वजह से हो रहा है, खाती पीती जो नहीं हो तुम कुछ। आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे तेरे साथ सुलह नहीं करनी, तू खुद आके सुलह करती है और आके बार बार लड़ पड़ती है। आपा छोड़ो भी ना, हमारी कौन सी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है। आशी ये ले, मैं जूसर मशीन लेकर आई हूँ,
आपा के लिए जूस निकाल कर ला, जूस पिएगी ना तो इसकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। लाई। अच्छा सुन, ला दे मुझे, आज मैं खुद अपने हाथों से सेब का जूस निकाल कर अपनी आपा को पिलाऊंगी। तावीज तो अभी तक पिलाया नहीं आपा को, ये इसने पहले ही कुटिया संभाल ली। काली नागन के करामात का नतीजा दिख रहा है, अब होगी आशी को तलाक और आपा का गुरूर मिलेगा खाक में। ये लो अप्पा, इतना अच्छा जूस बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। लो अम्मा, मैं पिलाती हूँ। अच्छा तू पिला दे, ले। तेरा सत्यानाश, तू मोबाइल बाद में नहीं सुन सकते थे कमबख्त? सारा जूस गिरा दिया। और वैसे आपा, तुम्हारी तो नियत ही खराब थी, तुमने दिल से मुझे माफ ही नहीं किया था, जब ही तो गिर गया ना सारा जूस। मुझे तो तेरी नियत पे शक हो रहा है, पता नहीं तू किस नियत से पिला रही थी। अरे नहीं आपा, मेरी तो नियत बहुत अच्छी थी, मैं तुम्हारे लिए दोबारा जूस बना कर दूंगी फिर किसी दिन। है चल जा, आप साफ करना, कुछ खाला का ख्याल भी कर लिया कर, क्या वो बीमारी में उठकर सफाई भी करेगी? अप्पा, मैं फिर तुम्हारे लिए जूस बनाऊंगी, फिर पिलाऊंगी, फिर देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तंदुरुस्त हो जाओगी, तुम पहलवान बन जाओगी, देखना तो सही अप्पा, तुम देखना तो सही। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। कितनी मुश्किल से तावीज लाई थी काली नागन से, 4000 की जूसर मशीन भी मुफ्त में गई। मैं सोच रहा था कि तुम्हें मरी लेके चलूं। सच? हाँ, तुम्हें बहुत शौक है ना मरी जाने का। हाँ बहुत। रहने दो, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब ठीक। अच्छा आज खाला मुझे कुछ बता रही थी, तुम शादी से पहले मेरे लिए खुदकुशी करने वाले थे। अच्छा वो? नहीं, खुदकुशी नहीं कर रहा था वो, मैं तो जाके वो ट्रेन की पटरी पे बैठ गया था तो पीछे से पुलिस वाले आ गए, उन्होंने पकड़ लिया मुझे। मैं उनसे कह रहा हूँ नहीं भाई, मैं थकार के यहाँ बैठ गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, खुदकुशी नहीं कर रहा। वो कह रहे नहीं तुम खुदकुशी कर रहे थे, तो मुझे उठा के ले गए थे, थाने ले गए थे मुझे वो लोग। अच्छा तो ये हुआ था। थैंक यू, तुम मेरा इतना ख्याल रखने लगी हो, खाना भी टाइम पे दे देती हो। तो वो मैं कहना चाह रहा था कि क्या, बस वो कहना था मुझे कि क्या बात है जमील, बताओ। आ रहा है अभी वो। अम्मा, खाला। अम्मा क्या हुआ? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, जा तू। अम्मा तुझे तो इतना तेज बुखार हो रहा है, चल डॉक्टर के पास। अरे बेटा कोई बुखार उखार नहीं है,
जरा सी कमजोरी हो गई है और कुछ भी नहीं है। खाला की तबीयत सुबह से बहुत खराब है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? खाला ने मना कर दिया था मुझे। अरे अम्मा हद करती हो, चलो डॉक्टर के पास खड़ी हो, सुनो कुंडी लगा लो। नहीं मैं साथ चलूंगी, चलो खाला। शाह साहब बड़ा नाम सुन रखा है आपका, बस आप मेरी आशी की तलाक करा दें। मेरी बहन ने और जमील ने बड़ा ही कोई पक्का अमल कर रखा है मेरी बेटी पर। आप उस कमबख्त जमील से जान छुड़ा दें, मेरी बेटी की मैं आपको खुश कर दूंगी। इल्म चले करंट की चाल, बहुत सख्त अमल हुआ है तेरी बेटी पर। मुझे तो पहले ही शक था आपा ने काले जादू का सहारा लिया। तुझ पर भी अमल हुआ है, तेरे घर के बाहर किसी ने मूंग की दाल डाल दी है। हैं? कमबख्त आपा ने डाली होगी दाल। जल्दी से कोई अमल कर दें शाह साहब, निस्तो नबूद कर दें उस माँ बेटे को। सब कुछ होगा, तेरी बेटी की तलाक हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा उसका। देख क्या रहे हैं शाह साहब, बस बर्बादी शुरू करें उनकी। उल्लू तंत्र करना पड़ेगा शाह साहब, ये जो भी तंत्र मंत्र करना है ना, बस जल्दी से करते हैं। कल 15,000 रुपए लेके आइयो। 15,000? इतने पैसे कहाँ इस्तेमाल होंगे शाह साहब? उल्लू लाना है, उल्लू के उल्टे पांव के 5 नाखून काटकर उस पर अमल करूंगा। वो टुकड़े लेकर मियां बीवी के रास्ते में डाल देना, एक दिन में जुदाई होगी। मैं बेवा हूँ शाह साहब, पैसे कुछ कम नहीं हो सकते? वैसे उल्लू तो 1500 रुपए में भी आ जाता है। कम अकल औरत, काली शक्तियों की भेंट चढ़ानी है, महान शक्तियां इस्तेमाल करूंगा वरना तेरा काम नहीं होगा जब तक भेंट नहीं चढ़ाएगी। ठीक है शाह साहब, मैं 15,000 दे दूंगी, लेकिन बाहर लिखा है काम ना हो तो पैसे वापस। एक बार भेंट चढ़ जाए तो वापस नहीं होती, तू बेफिक्र होकर जा, तेरा काम 100% होगा, क्योंकि इल्म चले करंट की चाल। और शाह साहब वो जो मेरे घर के बाहर कोई कमबख्त मूंग की दाल डाल गया, उसका क्या करना है? ये ले जा और इसे घोल कर पी, तुझ पर कोई जादू असर नहीं करेगा। शुक्रिया शाह साहब, लेकिन इस तावीज के पैसे नहीं दूंगी मैं, बस उल्लू तंत्र के साथ ना ये फ्री है बस। जा 15,000 रुपए लेकर आइयो। पक्का काम होना चाहिए शाह साहब, नजमा दुबई वाली की इज्जत का सवाल है ये। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा शौहर टाई पहनकर सूट पहनकर काम पर जाए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं वर्कशॉप अगर ये कपड़े पहन के जाऊंगा तो सब बहुत मजाक उड़ाएंगे। कोई बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगा, तुम वर्कशॉप के मालिक हो, ऐसे कपड़ों में जा सकते हो। बहुत अच्छे लग रहे हो, जब तुम्हारे पास कार भी आ जाएगी ना तो तुम बिजनेसमैन लगोगे। अम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, बहुत बड़ा अफसर लग रहा है। ये सब आशी का कमाल है। आ भैया नजमा, भले टाइम पर आइए। अपने दामाद को देख, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। वही तो देखने आई हूँ, कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। क्या मतलब? मतलब ये कि पूछ अपने निकम्मे और लाडले बेटे से, ये मुझे जानवर कहकर आए। तो खाला तू बातें भी तो ऐसी करती है। अरे तुझे तेरी औकात ही याद करवाई है, ऐसी क्या गलत बात की है मैंने? जा भाई जा नजमा, अब मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि झगड़ सकूं। जा अपने काम पर जा। और तू खड़ी मुंह क्या देख रही है? सुना नहीं,
इसने मुझे जानवर खाए। अब मैं क्या बोलूं अम्मा, तुम भी तो मेरी कोई बात नहीं सुनती ना। देख नजमा, तूने हमेशा मुझे और मेरे बेटे को दुख ही दिया है। आशी, आशी वो जो मैंने तुम्हें प्राइज बॉन्ड दिया था वो कहाँ है? रखा हुआ है, क्यों, क्या हुआ? लेकर आओ, लेकर आओ। अभी पता, उसका आधा नंबर इसमें आ गया, मुझे याद था। आधा मुझे कुछ कंफर्म नहीं था क्या है, अब देखूंगा तो बताऊंगा। जल्दी लेकर आओ। फिल्म कर दे। जी रा। एक मिनट को पकड़ो। कहाँ है नंबर? 7 4 निकला हमारा बॉन्ड। कोई बात नहीं, अगली बार निकल आएगा। सबका बॉन्ड थोड़ी ना निकलता है हर दफा। हमारा बताऊंगी उस फरा की बच्ची को कि हम भी अमीर हो गए हैं, हमारे पास भी गाड़ी आने वाली है। बड़ी शो मारती थी मेरे सामने, सहेली होते हुए तंज करती थी कि गरीब लड़के से शादी कर ली। अब तो जमील भी अमीर हो गया है। खाला आइए, नाश्ता तैयार है। खाला खाला उठ जाइए, 8 बज गए हैं। आपको याद है ना 11 बजे जमील के साथ अस्पताल जाना है, तो तैयारी भी तो करनी है। उठिए नाश्ता कर लें। खाला, खाला 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 उठिए। खाला बोलो तो। खाला नहीं रही।
मुझे बहुत दुख दिया अम्मा, बहुत दुख किया। फिर भी कभी नहीं रूठी मुझसे, और आज आज पहली बार तुझे मैंने सुख देना चाहा, और तू हमेशा के लिए रूठ गई। अम्मा भी तो मेरी खुशियों का, मेरी तरक्की का आवाज वो था। अभी तो मैंने खुद तुझे अल्लाह ताला के घर भेजना था, तू उससे चली गई अल्लाह ताला के पास। ठीक है तन्वी साहब, आप एक काम करें, 10 पीस भिजवा दें। नहीं, 10 पीस यहाँ भिजवा दें, पहले मैं रख के देखूंगा ना किस तरह निकलते हैं। ओके ओके। अच्छा हाँ तन्वी साहब, वो पता है ना आपको, मैंने नया शोरूम किया है जी। नहीं नहीं, 40 लाख मार्केट से उठ रहे। ठीक है, आप माल तो भिजवाइए, फिर देखते हैं। खुदा खुदा तन्वी साहब, मैं आपको कॉल करता हूँ, कॉल आ रही है। हेलो जी मलिक साहब। जी जी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। नहीं वो क्या है, इस बार सारे स्वीट्स मैंने मार्केट से खुद ही उठा लिए हैं जी, उसकी पेमेंट मैं आज भिजवा देता हूँ आपको। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। उसको देखने आया, जरा झाड़ो। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? जी वो यहाँ एक अदद परी रहती है, उससे मिलना है। जी मैं ही हूँ, कोई खास काम? जी हाँ, काम तो बहुत खास है, लेकिन वो खास काम आपको यही बताऊँ, अंदर ना चले? नहीं नहीं जरूर अंदर आइए, अच्छे नहीं लग रहे ना यार लोफरों की तरह खड़े हुए, आइए। बड़ी रोमांटिक हो रही हैं, कोई खास बात है? हाँ खास बात तो है। क्या? लेकिन पहले ये बताओ कि खाली हाथ क्यों आए हो? खाली हाथ? कुछ लेते हुए आना था क्या? मुझे याद दिला देती। मैं यही देखना चाहती थी कि तुम्हें याद रहता है या नहीं। अरे यार तुम्हें पता तो है, काम इतना होता है मेरा दिमाग माउफ हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। कुछ चाहिए हुआ करे बता दिया करो ना मुझे। जमील आज हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, I'm so sorry। और खाली हाथ आ गए, गिफ्ट भी नहीं लाए। तो कोई बात नहीं, मैं अभी कोई गिफ्ट ला देता हूँ, चलो। नहीं अब नहीं चाहिए। क्यों?
बदल गए हो तुम जमील। पहले तो तुम्हें मेरी हर बात याद रहती थी, मेरे कोचिंग सेंटर आने जाने के टाइमिंग्स, मेरे सोने जागने के टाइमिंग्स, मेरी सालगिरह, और अब तुम शादी की सालगिरह ही भूल गए। अल्लाह मेरी फूटी किस्मत। सही कहते हैं लोग, मर्द बदल जाते हैं शादी के बाद, कोई और तो नहीं मिल गई? क्या कहा? कोई और मिल गई है? मेरे दिल में और दिमाग में सिर्फ तुम हो, किसी और की जगह ही नहीं है। वॉशरूम से आ रहा। दिल भी बुझा हुआ हो, शाम की परछाइयां भी हो, मर जाइए जो ऐसे में तन्हाइयां भी हो। कौन बोल रहा? दिल बोल रहा है, तड़प रहा है। कौन हो बीबी? शमा जी, फरमाइए क्या काम है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ जमील जी। तुम जो कोई भी हो ना, आइंदा यहाँ फोन नहीं करना, समझ आ गई? हाँ मैं इधर आ, इन सब की यूनिट नंबर चेक करो, मुझे लिखो। उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना? जाना है। तो उठोगे तो जाओगे ना? कभी कभी ज्यादा सोने का दिल चाहता है। अच्छा उठ जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, चलो उठो, उठ जाओ फौरन, उठो। उठ रहा हूँ। हेलो। तन्हाई में रोते हैं कि यूं दिल को सुकून हो, ये चोट के साहिब महफिल से लगी थी। तुम चाहती क्या हो आखिर? तुम्हें चाहती हूँ, शमा को मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब फोन नहीं करना मुझे, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा मैं। हाय, पेश तो मैं होना चाहती हूँ तुम्हारे सामने। शमा, शमा नाम है मेरा। मेरे जलवों से बच के कहां जाओगे? हाँ आना तो तुम्हें पड़ेगा। बहुत अच्छी अदाकारी कर लेती हो शमा, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए। ये पूरे 10,000 है, और भी दूंगी, बस तुम आशी की जमील से तलाक करवा दो, तोड़ फोड़ दो आशी और जमील का रिश्ता। मियां बीवी के बेडरूम तक पहुंचना मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। फूट डाल दो शमा, ऐसी फूट डालो कि आशी जमील से लड़ झगड़ कर मेरे पास आ जाए। जो काम किसी आमिल का जादू टोना ना कर सका, मुझे पूरी उम्मीद है शमा की अदाएं वो जरूर कर पाएंगी। अपने दामाद से इतनी दुश्मनी? वैसे
दिखने में तो अच्छा खासा लगता है वो। मुझे जमील से और उसकी मरहूम माँ से शदीद नफरत है, घिन आती है मुझे जमील से। अपनी आशी को उस मनहूस के पहलू में देखकर दिल दुखता है मेरा, टीसें उठती हैं उन जख्मों में जो जमील और उसकी माँ ने मुझे दिए हैं। मैं जमील को बर्बाद करके रहूंगी और मैं जो ठान लेती हूं वो करके रहती हूं। मैं जमील को बर्बाद करके चैन लूंगी। इतनी नफरत? हाँ, और अब तुम्हें तलाक करानी है आशी और जमील में। तो 20 यूनिट के कितने बने? नहीं खान साहब, ये तो ज्यादती हो जाएगी। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। जी जी, मैं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या दिखाएं आपको, क्या खरीदना चाहती हैं? तुम्हें खरीदना चाहती हूँ जी। क्षमा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? ऐसा बात क्या हो गया? वरना मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुमने मुझसे शादी कर रखी। तुम पागल तो नहीं हो गई? काम करो अपना। मैंने कहा है ना तुम्हें कि आज से बात करो। देखो, अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ तो तुम्हारे घर भी जा सकती हूँ ना। वहां जाके सबको बता दूंगी कि तुमने छुपके मुझसे शादी की हुई है। मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों तंग कर रही हो मुझे? तंग तो तुमने मुझे कर रखा है, सोते जागते दिन रात सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। बहुत तंग करते हो तुम मुझे। मेरा मसला क्या है? मेरा मसला सिर्फ तुम हो। देखो कहीं चलते हैं। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा मेरे साथ। अगर यहाँ खड़े होके मैं तुमसे इस तरह बात करूंगी तो बदनामी तो तुम्हारी अपनी है, सोच लो। चले शाहरुख, मैं आ रहा हूं, जरा संभालना। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं तो मोहब्बत की रट लगा के बैठी हो। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती हूँ। देखो, तुम्हें अगर मुझसे पैसे चाहिए ना, मुझसे ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ो। जान तुम्हारी नहीं छोड़ सकती और अपनी मोहब्बत को बेच भी नहीं सकती मैं। मोहब्बत? मोहब्बत कहाँ से आई ये मोहब्बत? मैं शादीशुदा हूँ। जानती हूँ, तुम्हारी बीवी का नाम आशी है। तुम आशी को कैसे जानती हो? तुम दोनों को जानती हो पिछले एक साल से। क्या, तुम कौन हो, हमें कैसे जानती हो? तुम्हारी वालदा माजदा मेरी अम्मा की सहेली थी। बचपन में ही उन्होंने तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय कर दिया था। फिर उसके बाद तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया और बात बीच में रह गई और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में बैठी रही। मगर फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। उसके बाद मैं हैदराबाद चली गई। 2 साल तक तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ती रही। ये थी मेरी कहानी। देखो शमा, मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मेरी अम्मा ने मुझे कभी बताया है। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, मैं शादीशुदा हूँ। अब अगर तुम इस तरह तंग करोगी मुझे तो मेरे घर में बहुत मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे नाम पे बैठी रही थी जब। मुझे बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मुझे तुमसे हमदर्दी भी है, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम मुझे मेरा प्यार लौटा सकते हो, दिन में सिर्फ 2 घंटे दे दिया करो मुझे, प्लीज। मां, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, मैं जाली निकाहनामा बनवा लेता हूँ और तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी कि तुमने छुपके मुझसे शादी की हुई है। नहीं शमा, ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी को संभाला है। तुम्हें नहीं पता मेरा माजी क्या था और मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। अरे, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 2 घंटे ही तो मांग रही हूँ रोज। मर तो पता नहीं क्या क्या करते हैं बाहर, तुम बहुत डरपोक हो। नहीं शमा, मैं वैसा आदमी नहीं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घर को बचाया है, मेरा घर टूट जाएगा।
तुम्हारे पास कल शाम तक का टाइम है। अगर तुमने नहीं बताया तो कल फिर मैं बताऊं। हाँ, दाफिस। हेलो, झटका तो लगा होगा। हाँ जी, मैं जमील अहमद बोल रहा। मैं चाहती तो आशी को बता सकती थी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया। आज 2 बजे तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। अगर तुम नहीं आए ना तो आशी के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर दूंगी। नहीं सिस्टर, मैं वो वाला जमील नहीं हूँ, आपने गलत नंबर डायल किया। खुदा पता नहीं कौन थी बेचारी, जमील शेख का पूछ रही थी तो मैंने कहा रॉन्ग नंबर। अच्छा, उसके अंदाज से तो ऐसे लग रहा था जैसे जानती हैं तुम्हें। कैसी बातें कर रही हो आज, तो किसी औरत से बात ही नहीं करता हूँ, तुम जानती हो। ऐसे रॉन्ग नंबर जाया करें तो मुझे इसी पर ना दिया करो। शमा से होशियारी करते हो। हाँ अभी बताती हूँ। वो नाश्ता रेडी हो गया? हाँ बस ला रही हूँ। ले हो। हेलो जी, जी अब तनवीर साहब को। जी तनवीर साहब। अच्छे अदाकार हो तुम। जी तनवीर साहब, आज कुछ पेमेंट कर दूंगा मैं आप। आप 2 बजे मिले मुझसे आगे। मगर आज 2 बजे मैं नहीं, तुम आ रहे हो मेरे घर। जी ठीक है, मैं आता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम आइंदा मेरे घर पे फोन नहीं करोगे। हाँ, नहीं करती। अगला हुक्म। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, तुम कहीं बाहर मिलना मुझसे। अगर मैं तुमसे बाहर मिलूंगी तो तुम्हारी बीवी देख लेगी। वो नहीं देखेगी। उससे बताने वाले बहुत हैं। यहाँ मेरे पास रहोगे तो मेरी जुल्फों में महफूज रहोगे तुम, बाहर निकलोगे तो पकड़े जाओगे। आओ आओ, मैं तुम्हें अपने वजूद में छुपा लूंगा। क्या कर रही हो ये? बच्चे तो नहीं हो तुम? तुम्हें मिलने बुलाया था, मैं मिलने आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। hey, अभी मेरे 2 घंटे पूरे नहीं हुए, चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, वरना तुम्हारे घर फोन करके मान खड़ा कर दूंगी मैं। जी, ये आपका कुरियर है। जी।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। वो कुछ दिनों से मुझे तंग कर रही है। अभी तक तो आग लग भी चुकी होगी, अब टूटेगी उस मंजूस जमील की अकड़। मुझे जानवर कहा था कमबख्त ने, बेचारा बहुत ही शरीफ आदमी है, तरस आता है उस पर। ये होता है अंजाम नजमा दुबई वाली से टकराने का। अब जमील तुम्हारे घर आएगा, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। गायब हो जाओ कहा? देखो मैं तो तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि जमील गुस्से में होगा, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जहां तक जमील का ताल्लुक है वो तो है ही ना मर्द, बेचारा शरीफ सा। हेलो हेलो, जमील है, मैं शमा बोल रही हूँ। क्यों फोन कर रही हो तुम यहाँ बार बार? देखो बहन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बेहतर यही होगा कि प्लीज मेरी जमील से बात करवा दीजिए। बाजारी औरत, लोगों के घर बर्बाद करने वाली, क्यों पीछे पड़ी हो जमील के? हाँ मैं हूँ बाजारी औरत, लेकिन जमील भी तो बाजारी मर्द है ना, धोखेबाज कहीं का। क्या धोखा दिया उसने तुम्हें? जानबूझ के उसके पीछे पड़ी हो तुम, हो कौन तुम? मैं जमील की बीवी हूँ। क्या? हाँ, 3 महीने पहले जमील ने मुझसे निकाह किया था, और तो मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ बहन, 3 महीने पहले जमील ने मुझसे निकाह किया है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं बहन? जमील मुझसे बात भी नहीं कर रहा, इसीलिए मजबूरन मैंने अपनी और जमील की तस्वीरें तुम्हारे घर भेज दी। पूछो ना कभी तन घायल, कभी मन घायल।
तो कर ली तुमने शादी शमा से? क्या? हाँ, एक धोखेबाज इंसान हो तुम। ये सलाह दिया तुमने मेरी वफा का? तुम्हें किसने बोला मैंने शादी कर ली? तुम्हारी बीवी शमा। आशी पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये सारी बातें सोच सोच के मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी बातों पे एतबार नहीं है तुम्हें क्या? नहीं आशी, वो झूठ बोल रही है, सारी बातें झूठ बोल रही है। उसकी बातों पे एतबार है, मेरे प्यार पे, मेरी बातों पे एतबार नहीं है तुम्हें। चिल्लाओ मत, तुम एक धोखेबाज और मक्कार इंसान। उसके पास तुम्हारा और उसका निकालनामा मौजूद है, उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। वो मुझे लाकर दिखाएगी। तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो। अच्छा, सारे सबूत हैं उसके पास। ठीक है, अब बात आमने सामने होगी। उसको बोलो सारे सबूत लेकर यहाँ पर आए, और अगर वो सबूत नहीं लाई ना, मैं जान से मार दूंगा उसे। हाँ यही करना, जान से मार देना। और कर भी क्या सकते हो तुम? वो भोला भाला जमील तो पता नहीं कहां चला गया, शैतान बन चुकी हो तुम। जान से मारोगे लोगों को, शादियां करोगे, तुम्हारा जो दिल में आए तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा आप तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। आशी पागल, मेरी बात तो सुनो आशी। उसके पास तुम्हारा और उसका निकालनामा मौजूद है, उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। वो मुझे लाकर दिखाएगी। तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो। छोड़ दो मुझे जमी, और तुम अब इस घर में शमा को लेकर आओ। मैं यहां एक मिनट और नहीं रुकूंगी। आशी प्लीज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं यार। जमील, इससे तो अच्छा था कि हम गरीब ही रहते। तुम्हारी तबीयत में अयाशी तो ना थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने दूसरी शादी क्यों की। अच्छा, तुमको पता है मैंने दूसरी शादी क्यों की? जरा बताओ मैंने क्यों की है दूसरी शादी? क्योंकि मिस कैरेज के बाद डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं दोबारा मां ना बन सकूं। बस यही एक कमी थी मुझे, और इसी बात का डर था मुझे। आशी, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो ना, इससे आगे गहरी खाई की सिवा और कुछ नहीं है। उस पर जम ना कर, जिस दिन हकीकत पता चलेगी ना तुम्हें, तुम बहुत पछताओगे। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। कैसी हो लाल परी? हाय, सैकड़ों लड़कियों से दोस्ती हुई मेरी, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली। तुम्हारा नशा उतरता ही नहीं, क्या करूं? बड़ी खूबसूरत, दो तीन दिन से तुम्हारे शोहर का पीछे करा रहा था, बड़ी मुश्किलों से एड्रेस मिला है, जैसे मिला मैं आ गया।
शोर बिल्कुल नहीं करना। शोर करेगी तो नुकसान उठाएगी, और मैं तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। बड़ी खूबसूरत है तू, मैं तेरी जुल्फों के छांव में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ बस। कभी महीने में दो चार दफा मौका दे दिया करने तो अपना भी काम हो जाएगा और तेरा राज भी छुपा रहेगा। याद है ना तेरी फिल्म बनाई है मैंने, ज्यादा चूं चांग की ना तो पूरी दुनिया को ये फिल्म दिखा दूंगा, और सबसे पहले तेरे शौहर जमील को। बहुत पैसा आ गया ना तेरे शौहर के पास, तिजोरी का मुंह खुलवा और उसमें से पैसे निकाल, समझी? तो अभी जा रहा हूं, फिर आऊंगा पैसे लेने। और एक बात याद रखना, अगर किसी को बताया तो वो फिल्म पूरी दुनिया देखेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील हो ना तुम? हाँ मैं जमील, मैंने कहीं देखा है आपको, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। मैं याद कराता हूँ भाई, सन 91-92 के बीच में तुम नुसरत भुट्टो कॉलोनी के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना। हाँ अबे तो मैं भी उसी में पढ़ता था, सीनियर था तुम्हारा दो क्लास में। कुछ कुछ याद आ रहा है, क्लियरली याद नहीं है। क्या कुछ और याद दिलाई? अबे तू लाइन से निकलता था, गुद्दी पे रख के देता था क्या रे? हाँ, उम्मीद है। भाई मैं अब याद कराता हूँ, पूरे स्कूल में एक बंदा मशहूर था पेन चुराने में। हाँ एक था वो पेन चोरी करता था। नहीं लेकिन उसका नाम तो अबरार था ना? अबरार तो था, अब्बा ने मेरा नाम मैट्रिक में आगे अर्शद कर दिया। भाई धीरे धीरे याद आ जाएगा, मसला नहीं है कोई। अबे चाय नहीं भाई, इतने पुराने यार से मिल रहा हूँ तो क्या चाय बेटर खाएगा? खाना वाना तो मंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे शोरूम तूने ना बड़ा मस्त बना लिया है, मैं तो बिजनेस के लिए आया था, तू मिल गया यहाँ पे मुझे। अच्छा कौन सा बिजनेस करते हो? मैं चाइना से इलेक्ट्रॉनिक के आइटम इम्पोर्ट करता हूँ, ये छोटे टीवी डीवीडी। सुन तुझे डीवीडी चाहिए ना सस्ते रेट में मुझे बता दियो, ऐसा आला रेट दूंगा तुझे, बेफिक्र हो जा। अच्छा 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 गुड, मैं बताऊंगा। मेरी फैमिली ना लाहौर चली गई थी शुरू में, तो मैं कराची आता जाता रहता हूँ। तू बता शादी कर ली तूने? शादी कर ली? हाँ मैंने शादी कर ली थी। मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ, फिर बातें करते हैं बाद में। हाँ क्यों नहीं, अली इधर आओ। तुझे जमील ने कुछ कहा? अम्मा वो यहाँ आ गया था। कौन कौन यहाँ आ गया था?
वैन ड्राइवर अर्शद। क्या, कहाँ आया था? यहाँ? हाँ, मुझे मारने की धमकियाँ दे करके अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा। बस मैं देखती हूँ। कौन है? कौन? आशी मैं हूं। आशी ये, अरे पीछे कहाँ रह गए? आओ ना यार। ये अर्शद है, वो अभी डाकू मुझसे गाड़ी छीन रहे थे ना, तो इसने बचाया मुझे। सलाम भाभी। लगता है भाभी को मेरा चेहरा नहीं पसंद आया है। घर में थोड़ा मसला चल रहा है ना, तो इसलिए। तुम खड़े क्यों? बैठो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है यार, ठीक है। मैं तो तुझे बस ऊपर छोड़ने आया था। ख्याल रख, इसी बहाने मैंने तेरा घर भी देख लिया, अच्छा लगा मुझे। ना ख्याल रख। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलता हूँ। आदमी कौन था? वो, इसका नाम अरशद है। कह रहा था मेरे साथ स्कूल में था। नहीं, मेरी क्लास में नहीं था, मुझसे आगे की क्लास में था। मुझसे बड़ा था थोड़ा सा, तो हम साथ ही पढ़ते थे। मुझे तो याद नहीं, इसको सब कुछ याद है। आइंदा मत आने देना उसे घर में, शक्ल से स्मगलर लगता है। ठीक है, नहीं लाऊंगा। फोन आया था तुम्हारी बीवी का, तुम्हें ढूंढ रही है। ढूंढ तो मैं भी रहा हूं से। एक बार मिल जाए ना मुझे, मैं तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा, फिर बताएगी सब कुछ सच। मुझे नहीं सुनना आपको सच वच, तुम बस मुझे तलाक दे दो। क्या आशिक, तुम कैसे? मैं कैसे रहूंगा? मैंने कह दिया ना मुझे तलाक चाहिए। नहीं आशी, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। तो क्या चाहते हो? फोन उठाया करो तुम्हारी बीवी के, ताने सुना करो उसके। मैं हरगिज़ इस घर में नहीं रह सकती। तुम शमा को ही ले आओ इस घर में। आशी क्या बोल, आशी पागल हो गई हो क्या तुम? सोच रही हूँ कि कल आशी के घर चक्कर लगाऊं। क्यों? उसे बोलूं कि जल्दी जमील से तलाक ले ले। आखिर मुझे भी सोचना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। वैसे एक बात बताओ, कहीं तुम्हारी बेटी ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? नहीं नहीं, इरादा तो नहीं बदला, लेकिन कोई और मसला है। कैसा मसला? अब शमा, किसी बदमाश से जान पहचान है तुम्हारी? कोई एक हो तो बताओ। बहुत, तुम काम बताओ। एक आदमी को सबक सिखाना है। कौन सा आदमी? मेरी एक सहेली है, उसकी बेटी को एक बदमाश तंग कर रहा है। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा बदमाश हो जो उसे उठाकर ले जाए और फिर टारगेट किलिंग में उसे मरवा दे। है कोई तुम्हारी नजर में? है तो बहुत सारे, लेकिन पहले जमील की आशी से तलाक हो जाए फिर। शमा,
मेरी सहेली बहुत परेशान है, वो कमबख्त उसकी बेटी को इतना तंग कर रहा है, मनहूस मारा, उसकी जान ही नहीं छोड़ा। मैं तो कहती हूँ उस बदमाश को मरवा ही दिया जाए। हाँ आशी बोल। है? वो कुछ बोला तो नहीं? अच्छा अब्बा, तू परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या कहती है? जमील से लड़ रही थी। वैसे एक बात है, मैं तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ आज के। किसी दिन अचानक आशी पहुंच गई ना, तेरे सारे पोल खुल जाने। आशी को पता है कि मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, सारा दिन घर पर नहीं होती है, इसलिए वो फोन किए बगैर नहीं आएगी। सोच रही थी मैं हैदराबाद ही चली जाऊं कुछ दिन के लिए। हाँ हाँ चली जा। आशी बच जा। आशी मेरी बात तो सुनो। मेरा अब कुछ नहीं रहा यहाँ। आशी सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम झूठे हो, अगर तुम इतने सच्चे होते ना तो जरूर आते, वो दो घंटे यहाँ बैठी रही और वो सही कह रही थी कि तुम नहीं आओगे। आशी तुमको बता चुका हूँ, एक्सीडेंट हो गया था, कसम से यार। झूठ, फिर झूठ। मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है। आशी पागल हो गई, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्षमा की जरूरत है। आशी मेरी बात तो सुनो यार। अरे हट पीछे कमबख्त, चल आशी। आशी आशी मैं तुम्हें कैसे बताऊं सब झूठ है। अरे हाथ छोड़ इसका। क्यों बोल, कौन झूठा है? हाँ सारी दुनिया में एक तू ही सच्चा है ना। अरे तू बिल्कुल अपने बाप पर गया दो नंबरी। तेरा बाप भी दो नंबरी था, उसके भी दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और तेरे भी हैं। मेरी बेटी आशी अब इस घर में एक मिनट ही रुकेगी, सुनो तूने? चल आशी। आशी मैं मर जाऊंगा तुम्हारे पास। अरे तो मर जा। अरे मर जा जाकर, इंतजार किस बात का है? जब दबाओ मर जाऊंगा। चलो। नहीं आशी मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। हाथ छोड़ इसका। अरे मैं कहती हूँ हाथ छोड़ इसका। खाना आशी मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। जमील हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। आशी मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, देख लिया? किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया। भाई शहर में शराब की दुकान बंद हो जाए या किसी की बीवी छोड़ के चली जाए, दर्द एक ही होता है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि क्या रखा परेशान विशान होने में है? छोड़ जाने दे। तू एक काम कर, तू ये पी, इसको तू अंदर उंडेलेगा ना तो सारे गम बाहर आ जाएंगे। ओ भाई रात बहुत हो गई है, इसको उठाओ और बाहर लेके जाओ, जाओ अपने घर जाओ। बस भी बगैर इजाजत तुम ये हराम चीजें लेकर आ गए, मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ, लेके जाओ इन्हें बाहर। अरे मैं तो तेरा दर्द बांटने आया। भाई ये जो औरत होती है ना, ये हाथ का मैल होता है, मैल यूं रगड़ो दूसरी आ जाती है। तू क्या समझ रहा है ये आशी तुझे ऐसी छोड़ के चली गई? अबे किसी नए मर्द के साथ रंग रलिया उड़ा रही होगी हैं? ये जो धनक के साथ रंग होते हैं ना, इनका मजा ही लेना तो जिंदगी का नाम है प्यारे। अबे किसी के भाव में याशी कर रही होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई
मेरी बीवी के बारे में बकवास करने के। जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। जो क्या मारेगा मुझे जान से, तू तो खुद मरा हुआ है। बकवास करते हरदार जो मुझ पे हाथ उठाया समझा तू? निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। मुझ पे हाथ उठाएगा साला। और ये आइंदा नहीं आई हो। हेलो, कैसे हो जमील? मुझे बर्बाद करके पूछ रही है कैसा हूं मैं? मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी? हाँ, क्या मिल गया तुम्हें? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम मिल गए हो, आ रही हूं मैं तुमसे मिलने। अपने कफन दफन का बंदोबस्त करके आना आज, समझ गई? तुम किसके कहने पे कर रही हो ये सब? सच सच बताओ वरना तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। मार दो मुझे, मार दो, पर नहीं तो आई हूं। क्या कर रही हो ये? मुझे अपना बना लो, मुझे तुम्हें तंग करते करते तुमसे प्यार हो गया है मुझे। मैं रह नहीं सकती तुम्हारे बगैर। मुझे तंग करते करते किसके कहने पर तंग कर रही हो? बोलो कौन है तुम्हारे पीछे, जवाब दो। बताती हूँ, बताओ कौन है। अब यकीन आ गया तुझे? जब मियां बीवी पर्सनल बात कर रहे हो तो नॉक करके आना चाहिए ना। हाँ नहीं आशी, ये है ना जान। चल आशी, कोई जरूरत नहीं इसके मुंह लगने की। चल आशी, आशी, आशी मेरी बात सुनो, आशी, आशी मेरी बात तो सुनो, आशी से बकवास। बरकत भाई एंड द कंपनी। अरशद बाबू कहाँ है भाई, बड़ी मुद्दत के बाद दीदार करा है। बस काम में लगा हुआ था। कैसा है भाई, ठीक है? जिगर, मैं मुल्तान जा रहा था तो मैंने सोचा जाने से पहले भाइयों से मिलके जाऊं। चलिए अच्छा करा भाई तुमने। जा भाई जा अरशद, पहले जरा दिल ठंडा कर ले फिर बैठ के गपशप करेंगे, चल जा। बरकत भाई झूठा गाना छोड़ दी। अबे बावले, इस काम में झूठा मूठा कुछ नहीं होता, समझा ना? दादा भाई ऐसा कंचा पीस निकाल के लेके आया, तू देखेगा तेरी तबीयत हरी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत है। अपने लाए हुए काम की कौन बुराई करता है? हाँ? लेकिन तू बद्दुआ मत देना मुझे, ठीक है? तेरी बारी भी आ, मेरी बारी भी आ। चुप है अबे, जा ना, टाइम क्यों जा रहा है, जा अंदर। कौन भाई है वो भी अपना है? आए।
हेलो, चेहरा तो दिखा दो। सुना नहीं क्या कह रहा हूँ, चेहरा तो दिखाओ। फंदे पे लटकेगा ताकि तू इबरत का निशान बन सके। बरकत, अबे तो तू क्या समझ रहा है कि तू फरिश्ता है? तू हमारे गुनाह में बराबर का शरीक है, तू बचकर कैसे निकल जाएगा? अबे तू भी बचेगा मेरे साथ साथ। चुप चुप, पुलिस कारंगी के गली नंबर 10 प्लॉट नंबर 5 में मैंने 3 बंदे मार दिए, चौथा मेरे सामने है। अच्छा, यहाँ लड़कियों को लाकर उनके साथ जाती होती है। अबे तू बात तो सुन मेरी, फौरन आ जाओ। अगर चाहते हो किसी को पकड़ना तो फौरन आ जाओ। तो हमें फांसी चढ़ाकर तू क्या बच जाएगा? अबे तू कहाँ जाएगा? छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। मैं बचने नहीं चाहता, मैं तो वहां जाऊंगा जहां मुझे होना चाहिए, लेकिन तुझे कानून नहीं छोड़ेगा, तो कोई इबरत का निशान बनेगा। एक पुलिस आ गई, तो नीचे कर। सर, अरशद नाम के बंदे ने थाने में टेलीफोन किया था, और वो भी इन्हीं का साथी है। वो कहीं छुपा हुआ है, हम उसको तलाश कर रहे हैं। ये कहां से मिला? सर, वारदात के वक्त ये ऊपर कमरे में छुपा हुआ था, इसलिए ये बच गया। कब से कर रहे हो ये काम? 3 साल से। लेकिन सर,
इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वो कोचिंग सेंटर के लड़के लड़कियां खुद यहाँ अपनी मर्जी से आते थे, वो हम तो सिर्फ उन्हें जगह देते थे। हाँ वो अपनी मर्जी से आते थे, हम नहीं बुलाते थे उन्हें। झूठ मत बोलो, मुझे अर्शद ने सारी तफसीलात बताइए। तुम लोग कॉलेज की और कोचिंग सेंटर की लड़कियों को लेकर उनको नींद की गोलियां खिलाकर यहाँ लेकर आते थे और उनके साथ रेप करते थे और उनकी वीडियो फिल्म बना के उनको ब्लैकमेल करते थे। नहीं नहीं नहीं, ये काम भी वो अर्शद करता था, मैं नहीं करता था ये काम। बस बंद करो। सर ये सब वैन ड्राइवर हैं और ये भी इन्हीं का साथी है। खुदा से डर है, कब्र से डरते हो? बहन बेटियां हैं तुम्हारी, बाल बच्चेदार लगते हो तुम। कितनी बेटियां हैं तुम्हारी? सर, एक बेटी है। और तुम्हारी? मेरी शादी नहीं हुई। बहनें तो होगी? दो बहनें। तुम बहन बेटियों वाले हो, खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? कोई तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये हरकत करे तो फिर? तुम वैन ड्राइवर हो? मैं तो स्टूडेंट हूँ। सर यही कोचिंग सेंटर की लड़कियों को यहाँ पर लेकर आता था। सर मुझे तो पूरे इलाके के लोग जानते हैं हाजी बरकत के नाम से। मैं तो पक्का मुसलमान हूँ सर, पक्का। बकवास नहीं करो। मजहब का सहारा लेकर शैतानी खेल खेलते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? खुदा का खौफ है? अरे वो बाबा जिनकी बेटियां तुम्हारी वैन में जाती है उनके साथ तुम रैप करते हो? ये कोचिंग की लड़कियों का रैप नहीं है, ये पूरी इंसानियत का रैप है। अकील बेग, यस सर। इनको ले जाओ और जाके लॉकअप कर दो सबको। नहीं नहीं सर, मैं तो कहता हूँ इनको इधर ही इनकाउंटर कर देते सर, वरना ये लोग जमान। मेरी रूह तक को दुखा गया। सुनो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। चली जाओ। मैं तो तुम्हें चंद दिनों में ही समझ गई थी, पर शायद आशी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहुत खुशकिस्मत है आशी जिसे तुम जैसा इंसान मिला। जमील, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूं, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक सच जरूर बताना चाहती हूँ। कैसा सच? मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खाला के कहने पे किया था। वो चाहती थी कि तुम्हारी और आशी की तलाक हो जाए। जमील, नजमा तुमसे नफरत करती है। मैं समझती थी कि
दूसरे मर्दों की तरह मैं तुम्हें भी लुभा लूंगी। लेकिन मैं गलत थी, तुम तो फरिश्ता हो। तुम्हारी जिंदगी में, दिल में आज भी आशी है और सारी जिंदगी वही रहेगी। तो मेरी जगह कहां से बनेगी? बस तो मुझे माफ कर दो प्लीज। आला, जब तुमने आशी से मेरी तलाक करानी ही थी तो मेरी शादी क्यों करवाई उससे? ओ भाई, गलती हो गई, गलती हो गई, भूल हो गई, जान बख्त है मेरी और आशी की। बस मैं बताता हूं कि तूने शादी क्यों करवाई, क्योंकि तेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी इज्जत को बचाने का। क्या मतलब? आशी के दामन पर दाग था। अगर मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि हकीकत ना जान सकूं। उस रात जब आशी आई थी तो आशी दागदार हो चुकी थी। मैंने वहां छुप के सब कुछ सुन लिया था, लेकिन ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। अपने साथ कब्र में लेके जाना चाहता, लेकिन आज बहुत मजबूर होकर तुझे बता रहा हूं खाला कि आशी के साथ जो कुछ भी हुआ सब जानता था। आशी को बच्चा क्यों नहीं अच्छा लगता ये भी जानता था, लेकिन मैंने कभी उसे ताना नहीं दिया, कभी तंग नहीं किया उसे, उस पर कभी एहसान जताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि खाला मैं सच में आशी से बहुत प्यार करता हूं। और मैं कब्र तक इस बात को अपने सीने में दफन करके ले जाऊंगा और तुझे भी खुदा का वास्ता है खाला, आशी को कभी ये बात नहीं बताना कि मैं सब कुछ जानता था। सारी बातें तुझे बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं तुझे यकीन दिला सकूं खाला कि जब इतनी बड़ी बात के होते हुए मैंने आशी से शादी कर ली, फिर एक औरत के लिए मैं आशी को कैसे छोड़ सकता हूं खाला। खुदा के लिए खाला मेरा घर बर्बाद ना कर। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल जा, दफा हो यहां से, निकल। एनी प्रॉब्लम? नहीं तो वो तुम जाओ, ये हमारे घर का मामला है। आशी, तुम इसकी कोई बात मत सुनना। तुम जानती हो शमा कौन है? हाँ हाँ, वो बीवी है तुम्हारी और क्या। तुम्हारी माँ ने लगाया उसको मेरे पीछे। आशी, आशी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा हूं, अभी सच पता चल जाएगा, एक मिनट। अंदर आ जाओ। कौन है ये? अदाकारी बंद करो नजमा। जमील को सच सच बता चुकी हूं कि तुमने मुझे लगाया था जमील के पीछे। और तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी मां ने लगाया था मुझे जमील के पीछे ताकि मैं तुम दोनों का घर तोड़वा दूं। बकवास बंद करो, पता नहीं कहां से उठकर आ गई। आशी, ये बीवी है इसकी, ये दोनों मियां बीवी हैं और दोनों मिलकर हम दोनों को नीचा दिखाना चाहते हैं। तुम इसकी बात पर बिल्कुल यकीन मत करना। और वैसे भी तुमने इन दोनों को बगलगीर होते हुए देखा था ना। तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी।
समझी तुम? मैं इन दोनों को धक्के मार के यहां से बाहर निकालो। आशी, अरे अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकल यहां से और तू भी चल चल। जाते हो या मेरी बेटी को खिलाफ करना चाहता था मेरे नजमा दुबई वाली के। जमील की बद्दुआ लग गई मुझे, बदशक्ल हो गई। अपाहज हो गई, अपाहज हो गई। मौत के मुंह से बच कर आई हूँ। नहीं माँ, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा। तेरे लिए चूड़ियों का ऑर्डर देने गई थी, मुझे क्या पता था कि किसी की आ इतनी जल्दी लग जाएगी। फरिश्ते का दिल दुखाया था मैंने, अल्लाह नाराज हो गया मुझसे, मुझे अपाहज कर दिया, बदशक्ल कर दिया। आशी, मैं तुझसे, जमील से सबसे माफी मांगती, माफी माफी मांगती, मुझे माफ कर दे। नहीं अम्मा, क्या कह रही है ये? आज मैं ही फसाद की जड़ हूँ। हाँ, सबकी अधरा मेरा है। मैं तेरी और जमील की तलाक कराना चाहती थी। वो सच्चा था। मैंने शमा को उसके पीछे लगाया था। मुझे माफ कर दे आशी। तुम हो मेरी बर्बादी के जिम्मेदार। आशी,
तुम इसकी कोई बात मत सुनना। तुम जानती हो शमा कौन है? हाँ हाँ, वो बीवी है तुम्हारी और क्या। तुम्हारी माँ ने लगाया उसको मेरे पीछे। आशी, आशी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा हूँ, अभी सच पता चल जाएगा। तुमने किया ये सब कुछ? मुझे मेरे किए की सजा मिल गई आशी। जा जा, तू चली जा जमील के पास। इस सारी दुनिया में जमील से ज्यादा मोहब्बत तुझे कोई नहीं करेगा। वो सच्चा इंसान है। मैं ही नफरत करती थी उससे, फिर भी वो इतना बड़ा इंसान है कि हम सब छोटे पड़ गए उसके सामने। जमील कभी गलत हो ही नहीं सकता। तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे सब मालूम था। वो जानता था कि तू सब कुछ लुटा कर उससे शादी कर रही है, लेकिन उसका सर देखो, उस पर कैसे कैसे इल्जाम नहीं लगाए हमने। लेकिन वो अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला। आशी, क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो जमील। माफी क्यों मांग रही हो? तुम मजाजी खुदा हो मेरे, मुझे माफ कर दो, मुझे सजा दो। मैंने बहुत दुख दिया तुम्हें, मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि तुम सब जानते थे कि मेरे साथ क्या हुआ, भी तुमने बदले में सिर्फ मुझे अपनी मोहब्बत दी। और मैंने क्या दिया तुम्हें? सिर्फ दुख। तुम बहुत बड़े इंसान हो जमील, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं। तुम फरिश्ता, नजरें मिलाने के लायक भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक मामूली इंसान हूं जो तुम्हें दिल से चाहता है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से कोई दुख मिले। तुम हमेशा खुशियां ढूंढता रहा तुम्हारे लिए। मुझे मरकर भी मुझसे जुदा मत कर। घाव के पूछो ना कभी तंग आया।